बसमल्रिमला वसलाम़ या रसूल अलाबी क़्या हबीबल अल्ला नाजरिन सामीन अल्लाम रामतल अबरक्तु एक मरतबा फिर पेश ख़िदमत है सवाल जवाब की नशस् बानवान हम और उकाडवी के साथ जिसमें आप अपने शर्यी मसाइल के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकेंगे हजरत मौलाना डॉक्टर कौकम नूरानी साहब, कड़वी साहब दामद आलिया से आप एक अरसए दराज़ से दुनिया भर में मसल के हक़ के हकीकी तर्जुमान की हैसियत से खदम सर अंजाम दे रहे हैं आइए हम मिलकर इन्हें खुश कहते हैं अल्लाम वह वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन वाम को भी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप लोग अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं अगर आपकी आईडी अपने असल नाम के साथ नहीं तो आप सवाल के इब्ता में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए इन सवाल शामिल कर लिया जाएगा इसी दौरान के आपके सवालात आना शुरू हों व्हाट्सएप और पेज इन बॉक्स के ज़रिए जो सवाल मौसू हुए हफ्ता भर में उनसे आगाज़ करेंगे आयशा साहिबा का सवाल के लफ्ज दुआत को कुछ लोगुआत पढ़ते हैं तो क्या उससे माना में फ़र्क पड़ता है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह क़ुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है और अरबी में है बिलिसानिन अरबी मुबीन और अरब वाले दाल के मुशाबा दाद पढ़ते हैं इस मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है जा यानी उर्दू में जोए या ज़ाल के मुशाबा पढ़ना सख्त वईदे हैं उसके बारे में जानबूझकर कोई ऐसा करे तो और ज़्यादा सख्त अहमाम है तो दाल के मुशाबा बाद पढ़ेंगे और ऐसा ही पढ़ना चाहिए इनका अगला सवाल के इस्लामिक बैंकिंग में पैसे रख कर उस पर इंटरेस्ट लेना कैसा है अगर वो इस्लामिक बैंकिंग है इस्लामी बैंक है तो फिर उसमें इंटरेस्ट का क्या सवाल और जब इंटरेस्ट है तो फिर इस्लामी बैंकिंग उसको क्यों कह रहे हैं सीधी सी बात है सूद का कोई कॉन्सेप्ट, कोई तसुर इस्लाम में सख्ती से मना है तो इस्लामिक बैंकिंग है वाकई है तो फिर इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ फिर वो इस्लामी बैंक उसको क्यों कह रहे हैं आप और सूद लेना देना उसकी तरगीब देना उसको लिखना ये सब सख्त अहमाम है इसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल से जंग है बहुत बड़ा गुनाह है कोई गुंजाइश नहीं है इनका अगला सवाल कि कुछ लोगों में मशहूर है कि जून से लेकर अगस्त तक के महीने में मछली खाना जायज़ नहीं क्योंकि ये इनके रिप्रोडक्शन के अयाम होते हैं लिहाजा इसमें जायज़ नहीं खाना पहली बात तो नाजरीन कराची शहर में लोड शेडिंग आजकल बहुत हो रही है प्रोग्राम के दरमियान अगर अचानक लाइट चली गई तो आप साथ रहिएगा जनरेटर से फिर फ़ौर जाएगा ये आपको बताना था दूसरी बात ये कि जून जुलाई अगस्त या कोई महीना ऐसा नहीं है जिसके बारे में शराइ हुक्म हो कि इन महीनों में आप मछली नहीं खा सकते हाँ कुछ लोग मौसम की वजह से कि ये महीने गर्मी बल्कि सख्त गर्मी के मशहूर हैं इनमें मछली खाने से प्यास ज़्यादा लगती है उस हवाले से लोग कहते हैं वरना शरण कोई ममानयत मेरे इल्म के मुताबिक हरगेज नहीं है गुलाम अब्बास साहब का सवाल क्या वालिदैन औलाद को और औलाद वालिदैन को अपने हुकूक माफ़ कर सकते हैं जो हुकूक अदा करने लाजिमी हैं वो करने चाहिए माफी इस बात की कि अगर मेरे अदा करने में कोई कोताही हो गई कोई कमी रह गई तो वो मुआफ़ लेकिन हुकूक चूँकि अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम की तरफ से हैं तो वो अदा करने ज़रूरी हैं, माफी सिर्फ़ इस बात की कि कोई कमी रह गई हो ख़ामी हो गई हो अदा ना कर पाया हूँ तो इस बात को माफ़ किया जा सकता है अगला सवाल रावलपिंडी से बिनते साहिबा का पिछली नशिश में आपने जकात के मुतालिक रहनुमाई फरमाई के पहले अकारिब को देखा जाए मेरा सवाल है कि अगर अकारिब वैसे तो खुश हों लेकिन कुछ दायुशात दिखावे वगैरह पे अखराज की वजह से मकरूज हों और फौरी तौर पर सादा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने के इम्कान नज़र ना आते हों तो अब क्या हुक्म होगा मुस्तक होना शर्त है भले गाड़ी में बैठ के मांग रहा है सवारी पे बैठ के मांग रहा है मुस्तक हो वो खुद साहिब निसाब ना हो और मुस्तक हो ज़रूरतमंद हो तो उसको दी जा सकती है भले वो सवारी पे बैठ के मांगे मांगने वाले तक के लिए यहाँ तक वजाहत है लेकिन ये कि आप ये देख लें कि अगर वाकई वो ज़रूरतमंद है घर भी है गाड़ी भी है उसके बावजूद ज़रूरतमंद है आ जाते असलिया के सिवा उनके पास इतना माल नहीं कि वह मालिक निसाब हों और उनको ज़रूरत है तो दिया जा सकता है ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं दिया जाएगा इनका अगला सवाल इन्होंने एक हदीस की शरह पूछी मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक दीन पर साबित कदम और दुश्मन पर गालिब रहेगा उनसे इख्तलाफ करने वाले इनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे सिवाय उसके कि इन्हें कुछ मुआशी तंगदस्ती का सामना करना पड़े उसबा तो ने अर्ज़ की कि वो कौन होंगे तो आपने फ़रमाया वो बैतुलमदस और इसके गिरदो नवाह में होंगे जी बहुत से चूँकि वहाँ पर ऐसे तबक़ात हैं अलुद शरीफ मकबूज़ा बैतुलमक़दस जैर वशलम और वहाँ पर अब इसराइल नामी मुल्क बनाया हुआ है उन्होंने तो वहाँ कुछ लोग होंगे जो दबाव में आएँगे कुछ हैं जो किसी तरह शायद मसालाहत मुफाहमत करेंगे लेकिन कुछ डटे रहेंगे वो हक और हक का रहना ये वैसे भी अकली तौर पर भी है अल्लाह ताला तक वालों को ही गालिब करना है वक्ती तौर पर दबाव आएगा तंग तो आजकल हम देख भी रहे हैं तो ऐसे लोग ज़रूर रहेंगे इन शगला सवाल कि वालदान काफ़ी अरसा बे औलाद रहे लेकिन जब औलाद का उलूल हो गया तो जब हम बड़े हुए तब से वालदान यही बता रहे हैं कि जिन पीर साहब से उनकी वो मन्नत पूरी हुई थी हम उन्हीं के मुरीद हैं तो हमने कभी बैत की नीयत तो की नहीं तो अब उसका क्या शर्य हुक्म होगा बत आज कल रस्म बन गई है बैत के माने बिक जाना अपने आप को बेच देना क्या मतलब कि मैं अपनी रजा ख़त्म कर दूं अल्लाह की रजा अपना लूं पीर साहब की तलीमत लाजमी बात है अगर वो सच्चा पीर है कुरान और हदीस के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक वरना पीर ही कहाँ है वो तो पीर साहब का कहना मानो तो ये होता है आपकी रूहानी मंजिलें तय करना दीन पर साबित कदमी के लिए शैतान और नफ्स के शर से बचने के लिए बेयत की जाती है जो इल्ला माशाल्लाह आजकल कम है दिखावे की ज़्यादा है दिखावे के पीर ज़्यादा हैं दिखावे की पीरी मुरीदी ज़्यादा है बल्कि फ्रेंचाइज यानी आगे एजेंसियाँ बना दी नजरान हो रहे हैं जो कुछ है। लेकिन सब ऐसा नहीं है जिनके पास वाकई तालीम और तरबियत है ख़ान में तरबियत की जाती है दीनी तालीमात पर अमल कैसे करना है आपको इखलास अखलाक की ख़ूबियाँ आमदगी सिखाई जाती है तो अगर आपने बेत खुद की है इरादे के साथ क्योंकि मुरीद होना इरादत से है इरादे के साथ की है तो बेयत कायम हुई है और आपकी नीयत नहीं थी तो वह बेयत कायम ही नहीं हुई नमल आमालत तो अगर वो पीर साहब सही हैं और तो सुन्नत के पाबंद है कोई हर्ज नहीं लेकिन वो ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है तो बेयत फिर वहाँ का ही नहीं है वो बेयत ही नहीं है वो महज आपका एक दिखावा है तो जहाँ नीयत हो अखलास के साथ और वाकई शरीयत व सुन्नत की पाबंदी के हवाले से वो बेयत होती है आसिया साहिबा का सवाल के क्या कोई हाफिज़ा औरत तरावी में कुरान पढ़ सकती है अकेले जी वो साथ मिलाकर भी पढ़ ले, मसलन ये कि घर वालों को कहे के बैठ के सुन लें वो नफलों में पढ़ ले, घर वाले बैठ के सुन लें नफल में शामिल हो जाएं घर में पर्दे में वो अगर पढ़ाती है घर वालों को तो भी पढ़ा सकती है अगर उसको सहूलत नहीं है कोई नमाजी नहीं मिल रहे है तो बाकी बैठ के सुन लें वो पढ़ ले लेकिन वो लक्मा नहीं दे सकेंगे क्योंकि जो नमाज में शामिल नहीं है वो लक्मा नहीं दे सकेंगे मसलन कहीं भूल गए अटक गए तो वो रुकमा नहीं दे सकते नमाज में शामिल हों तो लुमा भी दे सकते हैं तो वो बिल्कुल सुनाया करे ताकि उसको याद रहे इस बहाने घर वालों को भी आदत रहेगी पढ़ने की तो घर में पर्दे में वो सुना भी सकती है पढ़ भी सकती है ज़फ़र अली ख़ान साहब का सवाल बाहर के मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए जाली तलाक़नामा बनाने से क्या तलाक़ वाक़ हो जाएगी तलाक आप अपनी बीवी को मजाक में भी दें तब भी पड़ जाती है गु़स्से में दें या मजाक में दें तलाक़ खेल नहीं है पहले बहुत बुरा समझा जाता था आजकल बुरा नहीं समझा जाता लड़कियां ख़ुद मांगने लग गई हैं ये बहुत बुरी बात है माशरती खराबी है ना हक़ तलाक़ देने से अर्श हिल जाता है लरस जाता है तो हमें ख्याल रखना चाहिए आपने जो कहा अगर आपने तलाक़ लिखी है वो मज़ाक में भी लिखी है वो पढ़ जाएगी फकीर कादरी साहब का सवाल ख़ैरात शरीफ क्या है और इसे किस लिए पढ़ा जाता है जी दलाइल ख़ैरात भलाइयों के मजमुे को यानी उसमें दुरूद शरीफ जमा किए हैं इमाम जजौली ने उन्होंने दुरू शरीफ का ये मजमू बनाया है वाक़ बड़ा मशहूर है उनका जिस वजह से उन्होंने लिखा ये फिर सुना देता हूँ ये इमाम जजौली सफ़र करते जा रहे थे तो इनको वजू करना था कुआँ देखा तो गए वहाँ कुएँ के पास लेकिन कुएँ से पानी निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं था रस्सी या बाल्टी वगैरह डोल कमंडल जो भी कहते हैं और नीचे उसमें उतरने का रास्ता भी कोई सीढ़ियाँ ऐसी नहीं बनी थी पानी ख़ासा नीचे था तो इमाम ने देखा कि मैं पानी कैसे हासिल करूँ पड़ोस में कोई घर होगा उस घर की खिड़की से एक कम सिन बच्ची देख रही थी यह मंज़र उसने पूछा बाबा जी क्या बात है तो आपने फरमाया मुझे वज़ू करना है पानी चाहिए पानी नीचे है कोई बर्तन नहीं है कि मैं पानी निकाल लूँ उसने कहा ठहरे मैं आती हूँ वो बच्ची आई और उसने आके कुएं में थूक फेंकी माउथ सलाइवा कहते हैं आप उसको उसने वो थूक फेंकी पानी ऊपर आ गया उसने कहा बाबा जी पानी ले लो आपने वज़ू कर लिया वज़ू करके उससे पूछा बेटी तुझे ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ तो उसने कहा दुरूद शरीफ की कसरत से मैं बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो आपने उस वक्त नीयत कर ली कि मैं दुरूद शरीफ का मजमू बनाऊँगा वो आपने तैयार किया उसका नाम दलाइल खैरात रखा दलाइल दलील की जमा खैरात भलाइयों को कहते हैं तो जिसको भलाइयाँ हासिल करनी हैं वो अक्सर हफ्ता भर उसकी रोज़ाना एक मंजिल पड़ी जाती है तो ये मुद्दतों से सैकड़ों बरस से वजीफा है दुरुशरीफ़ का जो एक बार शुरू करे फिर उसमें ना करे बायदगी से पढ़े अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन। इनका अगला सवाल कि कुछ लोग कहते हैं कि फला मकतब फ़िक्र और अहल सुन्नत हजरात दोनों ही एक इमाम यानि इमाम अज़म रतल के मुखलिद हैं तो वो एक साथ लिहाजा नमाज़ अदा कर सकते हैं इमामत की शरात मैंने पूरी किताब लिखी है मसला इमामत उर्दू इंग्लिश दोनों ज़बानों में है इमामत की शर्तों में एक शर्त ये है कि मुखदी जो फॉलो कर रहा है और मुक्तदा जो इमाम है दोनों का अकीदा एक हो जब अकीदे में ऐसा फ़र्क आ जाए जो सरी खुली हुई गुमराही हो या ईमान और कोफर का मसला बन जाए तो जो पढ़ाने वाला है उसकी तो नमाज शुरू ही नहीं हुई कायम ही नहीं हुई उसके साथ अटैच करने का वस्ता करने का क्या मतलब होगा क्योंकि जब अकीदा दुरुस्त नहीं है तो नमाज क़ायम ही नहीं हुई तो सारे कहते हैं कि जी इमाम आजम अबू हनीफ़ा के हम मुखलद हैं वो देवबंदी भी कहते हैं वो अहले सुन्नत जिनको बरेलवी कहा जाने लगा है वो भी कहते हैं मगर दोनों के अक़ायद में उसूली फ़र्क है आपको जानना हो कि फ़र्क क्या है मेरी किताब देवबंद से बरेली पढ़ लें वो पाँच छः जबानों में मौजूद है इंटरनेट पे अरबी में इसके अलावा पश्तो में इंग्लिश में उर्दू में सिंधी में कई जबानों में है तो आप वो पढ़ सकते हैं पता चल जाए कि फ़र्क क्या है तो जहन में रहे जब अक़ीदे में फ़र्क हो होगा तो फिर नमाज का कोई ऐसा तसुर नहीं क्योंकि जब इमाम का अकीदा ही दुरुस्त नहीं तो उसके साथ नमाज वाबस्ता नहीं की जा सकती ये कोई झगड़ा हलवे मांडे का नहीं है यह कोई जायदाद का नहीं है यह ईमान का मसला है तो मैंने इसको मुख्तसरन वाज़े किया तफसील के लिए मेरी किताब देख लीजिएगा से मोहम्मद नसीर अहमद साहब का सवाल कि आजकल जनाजा सिर्फ़ आजकल जनाजे में लोग फ़ौज शुदा का स्टेटस देख कर आते हैं और तादाद ज़्यादा हो जाती है अगर शख्स अमीर हो जबकि गरीब के जनाजे में तादाद कम होती है तो क्या गरीब ज़्यादा जनाज़ा पढ़ने वाले लोगों के मिलने वाले सवाब से महरूम हो जाएगा मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता वो जो गाजी का जनाज़ा था जो रावलपिंडी में हुआ था आप क्या तसवर कर रहे हैं वो को मालदार आदमी था मिल ओनर था वो कोई ट्रेडर था मर्चेंट था एक सिपाही था मगर कितना बड़ा जनाजा था उसके हवाले से जो रिजवी साहब का जनाजा था क्या वो मालदार थे कोई उनकी जायदादें थी कराए के मकान में रहते थे कितना बड़ा जनाजा था तो पहली बात तो ये आपकी आप जान लीजिए कि ये नहीं है असल मसला होता है नमाज जनाजा ईमान वाले का अगर चालीस आदमी भी पढ़ लेते हैं और वो मुसलमान हैं तीन सफ़े बन जाती हैं मुसलमान है। हैं सौ अफराद हैं मुसलमान हैं अदीस में चूंकि तीनों बातें आई हैं मैंने तीनों जिक्र कर दी उसकी वजह से बख्शिश हो जाती है बाकी रहा ये कि अगर किसी की दौलत की वजह से कोई जनाजा पड़ रहा है तो पहले देखना है ईमान है या नहीं है उसके अकीदे के बारे में देखना है सिर्फ अवाम की तादाद नहीं देखनी है अगर इसी तरह है तो मुझे बताएं गंदम ज़्यादा होती है या उसकी वेस्ट जिसको भूसा कहते हैं वो ज़्यादा होता है क्वालिटी की बात करें ईमान वाला है उसके जनाजे में चंद अफराद हैं लेकिन वो ईमान वाले हैं तो अल्लाह ताला बख्श देगा ये जो क्राइटेरिया आपने कहा है ये इस तरह नहीं है बात हाँ ईमान वाले का कोई इतना नेक आदमी हो मालदार भी हो ताजर भी हो सकता है वो इतना नेक हो तो उसके जनाजे में जितने शामिल होते हैं उस नेक की वजह से उन सब की बख्शिश हो जाती है कोई अल्लाह वाला है कोई आलम दीन है कोई नेक शख्स है उसका जनाजा पढ़ने वाले बख्शे जाते हैं तो ये जेन मेरे असल मेयार ईमान है तकवा है अगले सवाल शकीला फ़यास साहिबा के इनका पहला सवाल कि हमने गरकत नामी दरख्त के बारे में पढ़ा था कि यह दरख्त यहूदियों को पनाह देगा और यहूदी इसकी अफज़ाइश बहुत करते हैं रहनुमाई फरमा दीजिए जी रिवायत है बिल्कुल है हरकत को आज तक वो बहुत तज़ीम देते हैं इस दरख्त को और जो रिवायात इसके बारे में हैं कि जी उसके पीछे छुपेगा ये लेकिन ये कि वो बोल पड़ेगा और कहेगा कि मेरे पीछे छुपा हुआ है ये रिवायतें मौजूद हैं इनका अगला सवाल कि जिन खवातीन के बाल दराज होते हैं उनको सर का मसा किस तरह करना चाहिए जी सर क्या कहलाता है सर कितना कहलाता है अगर आपको दुश्वारी हो रही है सर की पैमाइश करने में तो माजरत चाहता हूँ वरना जो सर का हिस्सा होता है आपका आप ले जाएंगे यानि आपके बाल ले जा रहे हैं यहाँ तक ये यह सर है ना आपका इतने हिस्से पे मसाह बहुत ज़रूरी है और वो अगर पूरे बाल लेकर उस पर फेरती हैं तो वो उनकी मर्ज़ी लेकिन जो सर है ना उसका मसा होगा अगला सवाल मोहम्मद अदनान साहब का बाजमात चार रकात वाली नमाज में कोई शख़्स तीसरी रकात में शामिल हुआ तो इमाम का जो काद आखिर है वो उसका काद है है तो अगर वो इसमें अतहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ ले तो क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा जी नहीं हुक्म ये है ऐसा शख्स जो एक रकत बाद दो रकत बाद या तीन रकत बाद शामिल हुआ है दो रकत वाली में पहली रकत निकल गई या चार रकत वाली में उसकी तीन रकतें निकल गई तो जब वो इमाम के साथ कादा में बैठा है तो वो उसका यकीनन पहला कादा है काद ऊला जिसको कहते हैं वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता अत्यात पढ़े अतियातो लाही वसलावात व तयबात इस तरह ताकि इमाम का सलाम फेरने का वक्त आ जाए और अगर वो तेज़ी में पढ़ गया है तशाह तक अशद अल्लाह तक पढ़ गया है तो अब तशाह को दोहराता रहे जब तक के इमाम सलाम ना फेरे वो तशाहत के बाद दुरु शरीफ ना पढ़े वो तशाहत को दोहराता रहे वरना आहस्ता आहस्ता पढ़े या तशाहत को दोहराता रहे और जब इमाम सलाम फेर दे तो वो उठकर अपनी नमाज पूरी कर ले इनका दूसरा सवाल के चार रकात सुन्नत मौकदा की तीसरी और चौथी रकात में सूरज फातिहा के बाद अगर सूरत मिलाना भूल गए और सचदह साहफ़ करना होगा और अगर सलाम फेर लिया तो फिर क्या हुक्म होगा दोनों सूरतों में बता दीजिए जी आपने दोनों रकतों में नहीं पढ़ा तो फिर तो मसला है आपको नहीं ऐसा करना चाहिए था क्योंकि सुन्नतों में पढ़ा जाता है तीसरी चौथी रकत में भी तिलावत की जाती है लेकिन ये कि आपने कह रहे हैं कि सजदा साफ़ करना भी भूल गए तो आप नमाज़ पे दोनों सलाम फेर लिए और कोई ऐसा काम नहीं किया जो बज़ाहिर नमाज को तोड़ने वाला हो तो आप उस वक्त भी साफ़ कर लें दोनों सलाम फेर लिए लेकिन कोई और कलेमा नहीं पढ़ा आपने इधर उधर नहीं देखा तो आप फिर सजद साफ़ कर लें और तैयात दोबारा पढ़ लें जहीर हसनैन साहब का सवाल के कोविड वैक्सीन लेकिन में रह वाजिब छूटता है ना तो सजद साफ़ होता है फ़र्ज़ छूटता है तो फिर दोहराना पड़ता है जी कोविड वैक्सीन के हवाले से वो पूछते हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लाजिम हो चुका है स्कूल स्टाफ पर तो अब टीचर्स क्या करें क्योंकि सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है जॉब बचाने के लिए मैं इस हवाले से पहले भी बता चुका हूँ फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बात खुल कर आ चुकी है कि ये लेबॉर्ट्री में बेकाबू हुआ और वायरस बना प्लैंडमिक जिसको आप कहते हैं उसके बाद ये वैक्सीन का बिज़नेस है पूरी दुनिया में आप इस हवाले से भी जानते हैं लेकिन एक चीज़ ऐसी जिसने लाखों इंसानी जाने ले ली हालाँ के रोज़ाना लोग वफात पाते हैं लेकिन आजकल शायद सब शायद सब कोरोना के इसी कोविड के खाते में डाल दिए जाते हैं तो वैक्सीन निकाली गई कि ये आपके बॉडी में जाकर दोबारा अगर हमला होता है तो आपको ख़तरनाक स्टेज से बचाती है लिहाजा लाजमी कर दी है मैंनेडेटोरी कर दी है बहुत अब फ़ाई सफ़र करना है बैरून मुल्क तो लगानी लाजमी है सर्टिफिकेट दिखाना है तो उसूरत उस में आपके लिए ये लगाना लाजमी हो गई आप लगवाते हैं तो शौक़ से लगवाएं। शरण में मना नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आई कि इसके इंग्रेडिएंट्स में कोई ऐसी हराम चीज़ अब मुज़िर कितनी है नहीं है अब एस्ट्राजेनेका के बारे में बहुत से केस सुने स्पुटनिक है आपकी साइनोफाम है अब तो पाकिस्तान ने भी बना ली है बना रहे हैं उसको तो मुजर असरात के बारे में मुझे नहीं मालूम कि उसके कोई बताए गए हैं ताहम लगाना जान बचाने के लिए है तो ज़रूर लगाई जाए आप लगा लें जामा साहब कुछ सवाल और कमेंट्स आते रहते हैं आ, नशिस्त के दौरान के फ़ला वाक़ सुना दें तो वो शामिल नहीं करता आपके हुकूम के मुताबिक एक मरतबा अगर आप कह दें क्योंकि वो समझते हैं कि शायद मैं ख़ुद अपने जाती फैसले के मुताबिक शामिल नहीं करता जी जैन कादरी साहब का कहना है कि आप लोग कुछ फरमाइशें करते हैं बजाय सवाल करने के फरमाइशें के कोई वाकया या किसी शेर की तशरी या ख़्वाब की तबीर ये जो प्रोग्राम ख़ास किया गया है ये पिछले कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त आगाज़ किया था रमदान आ गया और फिर आपकी फरमाइश पर रमदान में रोज़ होता था फिर पूरा साल ये आपकी फरमाइश पर हर जुमेरात को किया जाने लगा मकसद सवाल जवाब हैं मालूम अगर फरमाइशों का वाक़ वाकिया, वाकयात का और ये तसलसल रखेंगे तो फिर सवाल व जवाब नहीं रहेंगे उसके लिए जो इज्तम होते हैं खुतबात होते हैं वो अगर को मौका मिले कभी कोई एक नशे से अलग लग, लग जाए कि जी सिर्फ वाकयात सुनाने वरना वाकयात सुनाए हुए हैं और सारे मौजूद हैं पेज पर पे, तो ये ख़ास प्रोग्राम अब ये ना समझें कि जैन साहब वो सवाल आपका नहीं दोहरा रहे जानबूझकर वो सिर्फ़ इसलिए कि इस प्रोग्राम में सवाल ही रहें तो बेहतर है वरना फिर ये सवाल जवाब नहीं हो पाएंगे और आपकी फरमाइशें हो जाएंगी तो वो फिर सवाल इस नशिश की नोयीत बदल जाएगी तो ये जो घंटे डेढ़ घंटे का है तो सिर्फ़ सवाल जवाब के लिए कभी हुआ तो स्पेशल फरमाइशें इनसे कहूँगा जमा कर लें कभी स्पेशल नशस् कर लेंगे आपके लिए और आपको वाकयात सुना देंगे इन शामा एजाज़ साहब का सवाल कि अगर घर में चोरी या डाका हो जाए पड़ जाए और या फिर कोई खिलाफ आदत कार्रवाई हो जाए तो उसका पता लगाने के लिए आमिलों के पास जाना ये कैसा है आपका दिल चाहता है आपके पास पैसे हैं और आमिलों की सारी कार्रवाइयाँ आपको पसंद है ज़रूर जाएं मैं तइद नहीं करूँगा वरना फिर पुलिस का महकमा भी ख़त्म कर दें फौज का महकमा भी ख़त्म कर दें आमिलों से पूछ लिया करें किसने किया है ये जो अमेरिका में ट्विन टावर्स गिराए गए थे ज़रा बताएं और फिर और बहुत सी बातों के सवाल हैं मैं वो कर सकता हूँ फिर वो भी जवाब दें तो आमलिन जो हैं लोगों की भलाई के लिए सेहत के लिए या कोई मोहब्बत बढ़ाने के लिए करें लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए और ये इस तरह की जो चीज़ें ख़ास तौर पर वो आमिल जिन पे सवारियां आती हैं ये हमारे सुन्नत का तरीक़ा नहीं है और ना ही करना चाहिए महम्मद इकराम शरीफ़ साहब के सवालात इंडिया से सूरज और चाँद गिरहन के हवाले से कि सूरज और चाँद ग्रहण में कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए और हामिला औरत के हवाले से भी पूछा है कि उसे क्या करना चाहिए जी कसौफ़ और ख़सौफ़ ये दो लफ्ज़ हैं दोनों में नमाज़ें हैं क्यों मेडिकल साइंस भी कहती है कि इंसान अगर वो अपनी यसर की आँखों से देखे तो उसकी आँखों को बीनाई को नुकसान हो सकता है और आपको पता है ये जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी पर असर करती हैं खून की गर्दिश पर असर होता है हवा का होता है धूप का होता है ये सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं तो हमें इस्लाम ने ये सिखाया कि ये कोई तमाशा नहीं है सूरज गिरन या चाँद गिरन देखना ये कोई तमाशा नहीं है बल्कि उस वक्त हमें अल्लाह की बारगाह में झुक जाना चाहिए यह अल्लाह की निशानियों में से हैं एक इंसान को ये पैगाम है कि ये सूरज रोशनी देता है अल्लाह जब चाहे इसको बेनूर कर देता है तो ये अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन आपका बढ़ाने के लिए जो लोग सूरज की पूजा करते हैं उनको पता चल जाए रब इनको बेनूर भी कर देता है तो उस वक्त हामिला ख़ीनों अगर वो नमाज़ पढ़ सकती हैं वो भी नमाज पढ़ें मर्द हजरात भी सजदे में जाएं तमाशा ना बनाएं बल्कि अल्लाह के आगे रोएं गिड़गड़ाएँ दुआ करें और नमाज पढ़ें ये दोनों के लिए है अब ये जो कहा जाता है कि जी हामिला औरत पर असर पड़ता है वो लोहे को ना छूए फ़लाँ चीज़ को तो इसको अपना यकीन ना बनाएं अगर तजर्बात में आपके हैं तो एहतियात कर लें लेकिन इसको यकीन ना बनाएं क्योंकि ये इस्लामी बातें नहीं हैं इसको यकीन ना बनाएं एहतियात करनी है कर लें लोहे को ना छुएं या फलां उस ये काम नहीं करना तो वो ना करें लेकिन इसको यकीन ना बनाएं क्योंकि ये तवाहुमात हैं शर्य बातें नहीं आप कहेंगे तजर्बा हुआ है तो आप एहतियात कर लें लेकिन उसको अपने यकीन का हिस्सा ईमान का हिस्सा ना बनाए इनका अगला सवाल के इल्हाम इस लफ्ज़ का क्या मतलब है और क्या ये लफ्ज़ बतौर नाम लड़के का रखा जा सकता है इल्हाम असल में मैं पहले बता चुका नाम जो रखे जाते हैं इसम या सिफत हम लोग फ़ेल जो होते हैं ना काम उनको भी नाम बना लिया मसलन बहुत सी लड़कियों ने नाम एक रखा हुआ है यह नाम नहीं है रख लिया है लोगों ने अभी नाम नहीं है रखा हुआ है और बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं नाम नहीं है लोगों ने रखे हुए हैं तो इल्हाम दिल में बात डालने को कहते हैं तो आप अगर रखना चाहते हैं आपकी मर्जी मगर ये नाम नहीं है नाम वो होते हैं जो इस मौसफ़त यानी अल्लाह ताला की बंदगी अल्लाह की तारीफ़ अल्लाह की सनात जो अल्लाह ने बनाई है उसके हवाले से होता है को फूलों के नाम होते हैं कोई अच्छी चीज़ों के नाम होते हैं उस तरह नबियों के नाम सहाबा के नाम मुबारक अल्फाज रखे जाते हैं तो बाकी इल्हाम नाम नहीं है अगर कोई रखता है तो उसकी मर्ज़ी वो जाने राहील अमीन साहब का सवाल कि लवाफिस के रद में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए जी आपको सबसे पहले तो अपने अकायद सीखने हैं अहले सुन्नत व जमात के बुनियादी अकायद उसूली और जो ज़रूरी हैं ज़रूरीयात दीन और ज़रूरीयात अहल सुन्नत पहले वो पढ़ने चाहिए आपको मालूम हो उसके बाद सुन्नत की मतदद किताबें हैं आला हज़रत फ़ाजिल बरेलवी की है हज़रत मुजद अलफिस की है आसान इस दौर के लोगों ने भी बहुत सी लिखी हैं ालिबन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब की भी किताब है तो वो किताबें मौजूद हैं आप किसी भी सुन्नी कुतुब खाने में जाएंगे, वो मिल जाएंगी, वो पढ़ लीजिए शाहरुख साहब आपने कोविड वैक्सीन के हवाले से सवाल किया अभी कुछ देर पहले साहब ने इसका जवाब दिया वीडियो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं सलमान साहब का सवाल कि अगर कोई शख्स बोलते हुए अटकता हो या हकलाता हो तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए क़ुरान करीम की तिलावत आवाज़ के साथ करे इंशाल्लाह उसकी बरकत से उसकी ज़बान में बेहतरी आ जाएगी बाकी से यहां मूसा आसमाम की दुआ मौजूद है रब शराली सदरी वली अमरी वहलकदा तम मिलसानी ये हज़रत सलाम ने दुआ की है इन अल्फाज को दोहरा ले और क़ुरान करीम की आवाज़ के साथ तलावत करता रहेगा तो इन जो ये कमज़ोरी है ये दूर हो जाएगी अब्दुल कादिर साहब आपने जो बद के पीछे नमाज का हुक्म पूछा अभी कुछ देर पहले साहब ने इसका मुफसल जवाब दिया आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं इनका दूसरा सवाल कि आपकी किताब देवबंद से बरेली में जो मुख्तलिफ़ बद लोगों के मुतक मुख्तलिफ कुफ्रिया हवाले हैं अगर वो हवाले आज के बदअदा लोग ना माने तो उनके लिए क्या हुक्म होगा ना मानने का मतलब या तो ये कहें न कि जी ये बात लिखी हुई नहीं है तो मैंने वीडियो बनाकर वो दिखा दिए वो ये कहें कि हम ये बात नहीं मानते तो हम और क्या चाहते हैं यही तो हम चाहते हैं कि आप उसके कायल और काबिल ना बने कायल का मतलब जो कहने वाला काबिल कबूल करने वाला तो आप कहें कि जिन्होंने ये कहे हैं वो भी ग़लत हैं और ये जुमले भी ग़लत हैं ना मैं इनको कहता हूँ ना कबूल करता हूँ झगड़ा ख़त्म लेकिन जिन्होंने कहा है उनको तो गलत मानना होगा कि वो गलत हैं जुमले भी उनके गलत हैं और वो भी ग़लत हैं आप कहें नहीं वो सही है मैं अगर इन जुमलों को नहीं मानता तो फिर क्या मतलब हुआ जिन्होंने माना या जिन्होंने लिखे उनके लिए आप क्या राय रखेंगे वो राय रखना ज़रूरी है और यही बात मैंने उसमें वाज की है तो आप अगर कोई इनकार कर रहा है अगर ये कह रहा है कि ये जुमले हैं ही नहीं तो ये बात तो सफ़ेद झूठ हो जाएगी तो मौजूद हैं किताबें आज भी मौजूद हैं और बार बार छपी हुई मौजूद हैं मेरे पास नहीं कितनों के पास मौजूद हैं और मैंने तो उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना के आपको दिखा दी आखिर इख्तलाफ क्यों उसमें एक एक किताब का कौन सा नाम है कहाँ छपी है कब छपी है किसकी लिखी हुई है किस पेज पर है वो सब कुछ दिखा भी दिया तो इनकार तो वो कर नहीं सकते हाँ अगर वो बदल रहे हैं तो फिर जो तरीक़ा है तोहबा का वो इख्तियार करें झगड़ा ख़त्म हो जाएगा हैदराबाद इंडिया से अहमद रज़ा साहब का सवाल कि हमारे शहर में लॉकडाउन की वजह से तमाम मसाजिद बंद हैं लेकिन जुमे का ख़ुतबा हो रहा है पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आती है लेकिन मस्जिद में जुमे की नमाज़ गेट बंद करके होती है तो क्या इस सूरत में जुमे की नमाज़ अदा हो जाएगी जिस वक्त ये कोरोना की वबा आई और फैली तो इतना ज़्यादा पैनिक कर दिया यानी लोगों में इतना खौफ दहशत फैला दी गई कि एक दूसरे से मुसाफ़ा नहीं करना छः फुट का फ़ासला रखना है और मास्क लगाए रखना है सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है इतना लोगों को खौफ ज़दा कर दिया कि मसाजिद भी बंद कर दी हालांकि जिस जगह जाकर बलाओं से हमें छुटकारा मिलता है यानी लोगों को कहा कि मस्जिद की तरफ मत भागो मैंने कहा जी मस्जिद ही की तरफ़ भागना मस्जिद से नहीं भागना मस्जिद की तरफ़ भागना है तो मस्जिदों को बंद किया के राम ने सूरत हाल के मुताबिक मजबूरन कहा कि भाई मस्जिद जारी रहे फ़ासले से कड़े हो जाए हालांकि ये बाज़ार खुले थे बाज़ारों में फ़ासला नहीं था अच्छा आप भी देख लें आप एयरपोर्ट चले जाए आपको लाउंज में एक साथ नहीं बैठने देंगे कम से कम एक कुर्सी छोड़कर दूसरा आदमी बैठे लेकिन जहाज़ में इकट्ठे बिठाए हुए क्योंकि वहाँ पैसों का मसला है सीट खाली छोड़ेंगे तो नुकसान होगा तो वहाँ पर कोरोना नहीं है जहाज़ के अंदर नहीं है बाहर है इसी तरह शाम को छः बजे के बाद करोना नहीं है बाज़ार बंद करें तो ये लोगों के साथ ये जो पॉलिसी अच्छा कॉन्फ्रेंस में करोना नहीं है मीटिंग्स में करोना नहीं है पार्टियों में करोना नहीं है ये जो आपके ज़िमनी इंतखाब होते हैं बाई इलेक्शन इन में करोना नहीं है तो माफ़ कीजिएगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ देख रहे हैं यानी कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है कोई तरतीब नहीं है बस जहाँ चाह रहे हैं बंद तो मस्जिदें बंद करना असूला दुरुस्त नहीं है मजबूरी थी तो फ़ासले पे पड़ते लेकिन मस्जिदों को रखते अब अगर आपको आज़ादी नहीं है मस्जिद में जाने की तो आप कहीं तीन आदमी जमा होकर जुमा पढ़ लें ऐसी जगह जहाँ खुली हो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तो आप मजबूर हैं फिर आप जोहर पढ़ लें आयशा साहिबा का सवाल कि जुनैरा नाम का क्या मतलब है और क्या इसकी कोई अच्छी इस्लामी नस्बत है जी यह नाम मिलता है अरबी नामों में जुनैरा लफ्ज़ मिलता है लेकिन इसका लब्जी माना क्या है इस वक्त मेरे जहन में नहीं है मौलाना रफी साहब से कहूँगा ये इस दौरान सर्च करके मुझे बता देते हैं तो मैं आपको बता दूँगा लेकिन ये नाम मिलता है इनका अगला सवाल के कहा जाता है कि जो जिसम हराम माल से भरा हो वो जहन्नम के काबिल है तो सवाल ये है कि अगर बच्चे छोटे हों और माँ बाप हराम कमाई से उन्हें पालें तो क्या उसमें उनका कसूर होगा और इनका दूसरा सवाल के जब वो बच्चे बड़े हो जाएं और उन्हें अब पता लगे तो फिर उनके लिए क्या चरही हुकुम है किस तरह उसकी नवसत दूर करें जी हमारे यहाँ ये बात समझी समझाई हुई है कि ना वाकफ़ी और ना समझी की ग़लती और होती है जानबूझकर समझने के बाद ग़लती और होती है नावफी में आपसे हो रहा है और आप जस्तजू भी नहीं कर रहे जानने की ये दोहरी ग़लती हो रही है तो वो बच्चे कम से नाबालिग जो अपने माँ बाप या दूसरों की किफालत में हैं और वो जो कफ़ील हैं वो परवाह नहीं कर रहे तो जब तक बच्चे नाबालिग हैं ना समझ हैं वो उसका वबाल उन पर नहीं होगा लेकिन उनके इल्म में आ जाए हकीकत हाल मालूम हो जाए तो वो फिर एहतियात करनी होगी उनको और बड़ों को भी समझाना होगा अब वो बड़े कहेंगे तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए ये कर रहे हैं या तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो फिर आपको अपनी फरमाइशों को छोड़ना होगा और हक़ हलाल के लिए आपको कुर्बानी देना होगी लेकिन आप गुनाह पर राजी हो जाएं तो गुनाह पर राज़ी होना ये सबसे बड़ा गुनाह है और अर्रजा बिलकुफ्र क़रन जो चीज़ ग़लत है वो ग़लत है उस पर राजी होने का क्या मतलब तो समझदार होने के बाद फिर आपको वालदेन को भी समझाना होगा बड़ों को भी समझाना होगा और ख़ुद भी एहतियात करनी होगी जो ग़लती हो गई ना वाक़ी में उसके लिए आपबा कीजिए अल्लाह तौबा कबूल अल्ला करने वाला है बेशक महम्मद मुी सिद्दीकी साहब का सवाल कि अगर कोई शख्स सच्ची तौबा करे और फिर वही गुनाह हो जाए फिर तौबा करे फिर वही गुनाह हो जाए तो इस सिलसिले के बारे में क्या हुक्म होगा और उसे किस तरह रोका जाए जी सौ बार भी तौबा करके तोड़ी है फिर तौबा कर ले मगर तौबा को मजाक ना बनाए खेल ना बनाए ज़बान पर सिर्फ़ तोबा है और दिल गुनाह पर राजी है तो ये कैसी तोबा तोबा तो इस चीज़ का नाम है कि जो गलती हो गई उस पर शर्मिंदा नदामत हाय क्या हो गया अफसोस और आइंदा वो गलती न करने का पक्का इरादा इसको कहते हैं तोबा जबान से कह रहे हैं या मेरी तौबा और दिल गुनाह की लज्जत से भरा हुआ यह नहीं है यह खेल है मजाक है तमशुर है ठट्टा है मौकरी कहते हैं शायद इंग्लिश में तो हमें सोचना है कि क्या वाकई तौबा कर रहे हैं लेकिन जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता मैं किसी को मायूस नहीं करूँगा उसने हज़ार बार तोबा करके तोड़ी है फिर तोबा कर ले लेकिन इस चीज़ को कहते हैं ना तोबा को समझे और अगर खेल बनाया हुआ है तो फिर उसका यही खेल उसके लिए बबाल बन जाएगा और बड़ी मुसीबत हो जाएगी अल्लाह ताला से डरना चाहिए शाहरुख साहब का सवाल कि सही रिवायत के मुताबिक तोशा कादरी बनाने का तरीक़ा बता दीजिए तो कादरी मशहूर है हलवे का नाम है आप कहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान के या किसी और जगह के है? नहीं, नहीं है का नाम नहीं अगर आप इंडिया के हैं तो अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब रज़ा एकेडमी वाले बॉम्बे में होते हैं उनसे रबता कर लें ग्यारह चीज़ें वो डालते हैं पाकिस्तान के हैं तो जहाँ जहाँ तो कादरी बनता है वो आपको बता देंगे इसमें घी कितना है चीनी कितनी है सूजी कितनी है बादाम पिस्ता किशमिश लौंग ज़रान भी लोग डालते हैं कुछ लोग खोया डाल देते हैं तो इसके अलावा कुछ इजाफा करना हो तो खोपरा डालते हैं ग्यारह चीज़ें बना लेते हैं इसको भूनने में असल कमाल है कि सही तरह भून आ जाए ताकि वो चीज़ें सारी जो हैं वो उसका असर आ जाए तो जायके में भी बेहतरीन हो जाता है बाकी वाले साहब कबिला के उर्स पर और सालाना के आर्वी शरीफ के मौके पर दो मरतबा जाम मस्जिद गुलजार हबीब मैं गुल में बनवाता हूँ तो जो बनाता है उससे मिलवा दूँगा वो आपको बता देगा तरीक़ा जो है वो वैसे शमा शबिस्तान रजा में भी दर्ज है अतीक अहमद साहब का सवाल कि अगर सांप को ख़्वाब में देख लिया जाए तो क्या अपने हालात और मामला के हवाले से फिक्रमंद होना चाहिए इंसान ख़्वाब जब भी देखे अगर ख़्वाब में कोई ऐसी चीज़ जो उसको नापसंदीदा है कराहत डिसलाइक जिसको आप कहते हैं डिसलाइकिंग तो हुक्म क्या है कोई डरावनी चीज़ देखी है तो इसकेरी तो जब आंख खुले तो बाई जानेब लेफ़्ट साइड पे मुँह करके तीन मरतबा कारे थू 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 थु, थूक थु। नहीं फेंकना है और लाहौल पढ़ ले अवज़ बिल्ला पढ़ ले और कहे कि अल्लाह जो मैंने देखा है मेरे साथ ऐसा पेश ना आए और सदका कर ले किसी मुख्तर थोड़ा बहुत किसी एक को खाना खिला दिया या कुछ खजूरें दे दी या किसी को कुछ थोड़ा बहुत दे दिया तो डरावने ख़्वाब जो होते हैं उनका ये है अच्छा ख़्वाब देखे तो दुआ करे कि अल्लाह मेरे साथ बेहतरी हो और वो उसका मुझे फ़ायदा भी हो और मुझे उसकी कदर भी हो तो बाज़ जो हालात होते हैं बस जगह सांप देखना आप सांप देखा आपने अगर उसको मार दिया है बहुत अच्छी बात है सांप ने आपको डस लिया है तो उसमें आपके लिए ख़तरे की बात है सिर्फ़ देखा है तो बताया गया है कि कोई है खौफज़दा आप उससे हो रहे हैं या कोई आपको डराना चाह रहा है तो पूरा ख्वाब जो होता है वो मब्बिर को बताया जाए जो ताबीर देता है तो वो आपको समझा देगा लेकिन तरीक़ा मैंने आपको बता दिया इंडिया से आसिफ ख़ान साहब का सवाल इसतखारा निकालना क्या सुनत रसूल अलैहि वसल्लम है और बास अजर सवाब है और इसका सही तरीका कार क्या है मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद तालीम फरमाया इसतारे का मतलब अल्लाह ताला से भलाई और रहनुमाई चाहना कि मैं नेक काम करना चाह रहा हूँ तो या जो काम करना चाह रहे हैं जायज़ काम ही करेंगे ना आप नाजायज़ काम की तो गुंजाइश नहीं है तो मैं ये जायज़ सफ़र करना है शादी करनी है ज़मीन ख़रीदनी है हर काम में इस्तारा नहीं होता कि मैं आज के सफ़र पर जाऊँ या ना उम्र पर जाऊँ या नहीं नेकी के लिए नहीं जो ऐसे काम हैं तो आपने इस्तारा करना है कि या अल्लाह इसमें मेरे लिए बेहतरी है तेरे इल्म के मुताबिक तो मेरी रहनुमाई फरमा दे और तेरे इल्म के मुताबिक इसमें मेरे लिए बेहतरी नहीं है तो मुझे उसकी भी रहनुमाई कर दे इसका नाम है इस्तेखारा इसका तरीक़ा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया कि रात को सोते वक्त दो रकत पढ़े और फिर ये दुआ पढ़ के सो जाएँ ख़्वाब अल्लाह की तरफ से आएगा उसमें आपकी रहनुमाई हो जाएगी ये है असल इसतखारा बाकी बहुत से इस्तखारे उसके अलावा वो अंदाजे हैं वो दावे वाली बात नहीं है कि ऐसा ही है वो अंदाजे हैं असल इस्तखारा वही जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया इनका अगला सवाल कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत मौदा पढ़ने में क्या जल्दी करनी चाहिए और क्या तख़िर करने परवाब में कमी होती है कितनी तखीर एक तो ये है ना कि फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़्यादा वज़ायफ़ ना पढ़े जाए मुख्तसर वज़ायफ़ फ़र्ज़ के बाद और बाकी नमाज पूरी करने के बाद लेकिन ये कि आपने घंटा भर जनाब फ़र्ज पढ़ ली अब आप कह रहे हैं घंटा भर दूसरा काम करूँ तो ये ताकीर होगी पाँच दस मिनट की बात और होती है कोई बात करनी पड़ गई कुछ पढ़ रहे हैं या आपने वजू ताज़ा किया है वो और बात है लेकिन लंबी लंबा वक्फा उसमें आपके लिए बेहतरी नहीं है चंद मिनटों की बात हो तो और है मोहम्मद अहमद साहब का सवाल कि अगर कोई वकील अपने क्लाइंट से फ़ीस लेकर उसका केस लेकर कोर्ट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिश्वत के बिना कोई काम ना हो तो क्या क्लाइंट से रिश्वत के पैसे अपनी फ़ीस के अलावा चार्ज कर सकते हैं क्या यह दुरुस्त होगा क्योंकि रिश्वत के पैसे तो हम अपने पास नहीं रख सकते और इनका दूसरा इसी के हवाले से सवाल के रिश्वत को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गिफ्ट कहा जाता है या तोहफा कहा जाता है तो इसे ऐसा कहना कैसा हदीस शरीफ में आता है लोग शराब का नाम बदल देंगे और उसे पिएँंगे वही हो रहा है अब जी आप उसका नाम रिश्वत की जगह गिफ्ट कर दें तोहफ़ा रख दें बच्चों का खर्च रख दें जी ये ऐसे ही बस आपके लिए मोहब्बत से दे रहा हूँ जब है रिश्वत तो रिश्वत है लेने देने वाला दोनों अपने लिए जहन्नम का इंतज़ाम करते हैं कोई शख्स जिसका कोई जायज़ हक़ नहीं मिल रहा वो उसका हक है जायज़ है उसकी ज़रूरत है और वो उसको नहीं मिल रहा पूरी कोशिश कर रहा है मगर रिश्वत के बग़ैर नहीं मिल रहा हो ज़रूरत जायजा है कोशिश की है नहीं मिल रहा ऐसी सूरत में वो बता कर दे कि ये तुम ले रहे हो तुम इसके जवाब दे हो तो देने वाला गुनागार नहीं होगा जबकि वो मजबूर हो लेकिन पहले से ही तैयारी है तो आप राजी हैं जब आप राजी हैं तो फिर आप मजबूर तो नहीं हैं मजबूर होना और राजी होने में फ़र्क है आपका जायज़ हक़ है बग़ैर उसके नहीं मिल रहा तो देने वाला गुनाहार नहीं होगा और अगर आप राजी हैं और दे रहे हैं शौक़ से तो फिर तो आप मजबूर ना हुए फिर तो आपका शौक़ भी शामिल हो गया तो अब आप अपने आप को भी उस गुनाह से बरी वजिम्मा नहीं कर सकते अब नाम मुख्तलफ भत्ता रख लो ऊपर की कमाई रख लो जो भी रख लो ये है आग और उसी की वजह से फिर वही पैसे आपके इंग्लिश में कहावत है ना इजी मनी कम इजी गोल माले हराम रफ्त बजाए हर माले हराम बूद बजाए हराम रफ्त इसी तरह की कहावत है जैसा आता है वैसा जाता है फिर वो आपके बीमारियों में या आपके दवाइयों में इधर उधर जा रहा है और वबाल अलग है तो ऐसे लोगों को वोट दें जो वाकई इस्लामी निज़ाम लाए तब्दीली के नाम पर जो दीन के ही ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हों कभी लोगों की यानी गैरत को चेक करने के लिए मुख्तफ़ वाक़ात करा रहे हों या गैरों के एजेंडे पे काम कर रहे हों तो फिर आपको यही कुछ देखना सुनना पड़ेगा इस्माइल बशीर साहब का सवाल लफ्ज़ रब और खुदा इन दोनों में क्या फ़र्क़ है और नीज़ ये भी बता दीजिए कि लफ्ज़ रसूल और नबी इन में क्या फ़र्क है रब अरबी जबान का लफ्ज़ है पालने वाला खुदा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और अल्लाह का नाम नहीं है अल्लाह के लिए बोला जाने वाला लफ्ज़ है फ़ारसी में रब अरबी का लफ्ज़ है और रब का लफ्ज़ माँ बाप के लिए भी आया है अल्लाह रब है आलमीन है जैसा वो रब है कोई और रब नहीं है वक़ुर रबिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा माँ बाप के लिए भी ये लफ्ज़ बोला गया है खुदा के लफ्ज़ के साथ ना ख़ुदा ख़ुदायान और बहुत से लफ्ज़ आपको लगत में मिलेंगे तो हम जब कहेंगे रब ताला कहेंगे हमारा रब मुराद अल्लाह ताला तो अल्लाह के लिए रब बोलते हैं खुदा भी बोलते हैं खुदा कहना नाजायज़ नहीं है मगर अरबी के अलफ़ा कुरानी अल्फाज अल्लाह का नाम बोलेंगे वाब भी मिलेगा फ़ारसी का लफ्ज कहेंगे खुदा तो सवाब नहीं मिलेगा सिर्फ़ पुकारा जाएगा नबी गैब की खबरें देने वाला अरबी का लफ्ज़ रसूल के माने भेजा हुआ रसूल साहिब शरीयत होता है नबी उस पर वो जो है वो शरीयत नहीं वो बल्कि दू, दूसरी शरीयत या किताब का आगे पहुंचाने वाला तबलीग करने वाला बाज़ों के नज़दीक दोनों के माना दोनों शामिल होते हैं क्योंकि अल्लाह का भेजा हुआ है और तबलीग भी कर रहा है अल्लाह की बात पहुंचा रहा है लेकिन रसूल ख़ास तौर पर साहेब शरीयत को कहते हैं मॉरीशियस से मौलाना मोहम्मद फ़जल रसूल कादरी साहब का पैगाम सारी दुनिया के साथ साथ इन दिनों अहले मॉरीशियस भी परेशान हैं बस हमेशा की तरह दुआओं की दरख्वास्त है बहुत शुक्रिया मौलाना अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को वबाओं से बलाओं से दुश्मनों से महफूज रखे आफात बलियात से बचाए मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह सब की खैर फरमाए आमीन इस्माइल बशीर साहब का ये दूसरा सवाल के दीन और मजहब में क्या फ़र्क है दीन मज़हब और मसलक के बुनियादी अकायद या ईमानियात क्या हैं जिनको मानना लाजम है क़ुरान करीब में अल्लाह फरमाता है वारादीतलको मिलास्मा दीना दीन क़ानून को कहते हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस्लाम को दीन बनाया मजहब रास्ते को कहते हैं दीन पर चलने का रास्ता और मसलक भी रास्ते को कहते हैं तो माना होगा मिलाने वाला रास्ता तो हमारा दीन इस्लाम है मजहब अले सुन्नत के चार हैं हनफी शाफी मालिकी हम्बली चारों सुन्नी है चारों में अकीदे का कोई फ़र्क नहीं है तो क्योंकि ये तकलीद जो होती है वो अकायद में नहीं होती बल्कि फ़्रोई मसाइल में होती है तो बाज़ मसाइल की ताबीर और तशरी में थोड़ा सा फ़र्क है ये चारों सुन्नी हैं बशर्ते के सही हों अगर कोई मुकलद है उसने अकीदा बदल लिया उसकी बात नहीं कर रहा मसल एक ही सच्चा है अहल सुन्नत व जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसम और उनके सहबा के तरीक़े वाले बुनियादी बातें एक तफसल है हमें अल्लाह ताला को एक मानना है एक मानने का क्या मतलब है वो वाद हकी है और उसकी अता के बग़ैर हम किसी में कोई कमाल कोई खसूसियत नहीं मानते ईमान मुफसल ईमान मुजमल ये बुनियाद हैं हमारा इस्लाम एक किताब है तकميل-ul-ईमान एक किताब है ये हमारे बुनियादी अक़ायद की किताबें हैं इसके अलावा इस्लामी अकायद के हवाले से और भी की आसान किताबें वो आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको पूरी तफसील मिल जाएगी निदा रिजवान साहिबा का सवाल कि अगर पड़ोसी बार बार कोई चीज़ मांगने आए तो क्या झूठ बोल सकते हैं कि वो चीज़ मौजूद नहीं अगर चीज़ मौजूद है और आप कह रहे हैं मौजूद नहीं तो यह झूठ होगा और ये झूठ ही लिखा जाएगा आप नहीं देना चाहते तो आप उनसे कह दें कि मैं और नहीं दे सकता आप माजरत कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे झूठ बोलेंगे तो वो झूठ ही शुमार होगा अब वो पड़ोसी बार बार क्यों मांग रहा है उसको भी चाहिए कि वो इस तरह तंग ना करे लेकिन अगर वो ज़रूरतमंद है और आप दे सकते हैं तो देते रहें अल्लाह ताला देने वाला है लेकिन किसी ने अगर आदत बना ली है तो आप माजरत कर लीजिए अदील अहमद साहब का सवाल कि अकीदे में क्या तकलीद जायज़ है मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह लफ्ज़ कहा तकलीद फ्रू मसाइल में होती है अकायद में नहीं अकायद में पैरवी होती है तकलीद नहीं होती तकलीद का मतलब आपको मैंने पहले भी समझाया था आपको मालूम होना चाहिए आम आदमी के लिए चूँकि वो मसला मालूम नहीं कर सकता ख़ुद कुरानदी से उसके लिए ये ज़रूरी है जो शख्स सही तरह कुरानदी से मसला मालूम कर सकता है उसके लिए नहीं है लेकिन सैदना दाता गंज बख्श सैदना गौसे पाक सैदना ख्वाजा गरीब नवास हैं इतने बड़े बड़े ओलमा जब वो मुकल्द हैं तो हम क्या चीज़ चीज़ें तो हमें तकलीद में ही हमारे लिए आसानी है तो अकायद में नहीं होती है फ़्रोई मसाइल में होती है अकायद में पैरवी होती है उम शाहबाज़ साहबा का सवाल कि क्या बीवी को शौहर के किसी अमल में पकड़ होगी उसकी बीवी की कि अगर बीवी का अमल दखल ना भी हो तब भी और क्या जो बीवी खाना वगैरह खाती है या अपने ऊपर ख़र्च करती है तो उसकी पूछ गछ बीवी से होगी या शौहर जो के कमा के दे रहा है उसे उससे होगी शोहर में अगर कोई गलत आदत है तो बीवी हो या बच्चे हों बच्चे माँ बाप को कह सकते हैं कि यह बात दुरुस्त नहीं है आप इसे अपने आप को ठीक कर लें प्यार से तरीक़े से इसी तरह बीवी जब दूसरी आदतें छोड़वाती है तो गलत आदतें भी छुड़वाएं वरना उससे पूछा जाएगा शौहर से भी पूछा जाएगा बीवी के बारे में बाकी रहा लेन देन ख़र्च का मसला अगर शौहर सख्त मिजाज है और कंजूस मिजाज भी है पैसे पूरे नहीं देता तो सिर्फ़ ज़रूरत के पैसे अगर वो ले लेती है तो उस पर पूछ गिछ नहीं होगी लेकिन यह कि वो ज़रूरत नहीं है और वैसे ले कर खर्च करना चाह रही है तो उस पर पूछ गछ होगी तो वो हर शोहर को चाहिए मेरी आवाज़ जितने सुन रहे हैं अपनी बीवियों को जेब खर्च दिया करें अपनी हैसियत के मुताबिक माहाना पॉकेट मनी जिसको कहते हैं घर के ख़र्चे के अलावा हज़ार दे रहे हैं पाँच हज़ार दे रहे हैं दस हज़ार दे रहे हैं लाख दे रहे हैं ज़रूर दिया करें उसको कोई चीज़ खाने को चाह रहा है कुछ बनाने को चाह रही है उसके पैसे उसके पास हों और अगर वो ख़ुद कमाती है तो उसके पास पैसे हैं वरना शौहर दे जो घर के खर्च के लिए दे रहा है उसमें बीवी अपनी ज़रूरत के लिए अगर कोई ख़र्च करे तो शौहर को बता दे लेकिन ऐसा ख़र्च जो घर के लिए नहीं है सिर्फ़ उसकी ज़ात के लिए है और वो ज़रूरी नहीं है तो फिर वो बग़ैर इजाज़त के ना करें कुैत से आसिफ़ फारूकी साहब का सवाल के गैर मुस्लिम की शादी में गवाह बनना कैसा है शादी से मुराद अगर उसमें कोई ऐसी रस्म नहीं हो रही जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है ऐसे जुमले नहीं कहे जा रहे जो ख़िलाफ़ हैं उस हद तक तो हो सकता है लेकिन उनकी कोई ऐसी रस्में अदा की जा रही हैं या ऐसे काम किए जा रहे हैं जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं या कुरान हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं तो फिर गवाह नहीं बना जाएगा अगला सवाल अब्दुल साहब का कि अगर किसी शादीशुदा औरत को अपना शौहर पसंद ना हो और वो किसी गैर मर्द को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो तो अब क्या हुक्म होगा और क्या रास्ता निकलेगा यह वाक़ कब हुआ वो शादी के बाद उसको पसंद करने लगी या पहले से पसंद करती थी अगर पहले से पसंद करती थी तो फिर उसने दूसरे शख़्स से निकाह क्यों किया इतने अखराज आज कल शादी पर होते हैं क्यों ऐसा किया बता देती कि मैं नहीं करना चाहती और उसकी रज़ा के बग़ैर शादी नहीं की जा सकती इस्लाम ने औरत को इजाज़त दी है कि वो उसके यानी यह या हक़ दिया कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसकी शादी नहीं की जा सकती अब शादी के बाद उसने पसंद करना शुरू किया है तो वो गुनागार हुई है घर है क्यों घर तोड़ना चाह रही है शोहर हकूक नहीं पूरे कर रहा ख़र्च नहीं दे रहा सही सलूक नहीं कर रहा सिर्फ़ पसंद की वजह से घर क्यों तोड़ना चाह रही और अगर बच्चे हैं तो और ज़्यादा ज़्यादती होगी तो शादी के बाद अगर पसंद करने की ख़ता की है अगर शौहर में वाकई कोई ऐब है और ऐसा ऐब है जिसकी वजह से छोड़ने की बात हो सकती है तब तो गुंजाइश निकलेगी लेकिन इसी तरह पसंद हो तो फिर हर कोई पसंद करेगा फिर घर कहाँ रहेंगे तो बहुत एहतियात करनी चाहिए इस मामले में यही बेहर रवि हो गई ना ड्रामों ने यही सिखा दिया शुसर बहू का आशिक है और जनाब बहनोई साली का आशिक है ये यही ड्रामे दिखाए जा रहे हैं ना आपके यहाँ और फिर ये कि पर्दा भी नहीं है आपके यहाँ और फिर हंसी मज़ाक बहुत है और फिर ये जब से सेल फोन मोबाइल फ़ोन आया है और ज़्यादा आज़ादी है किससे चैटिंग हो रही है क्या कुछ हो रहा है तो फिर माशरत कहाँ रहेगी बेंगलोर इंडिया से आयशा साहिबा का सवाल के अगर किसी लड़की की एक औलाद या दो औलाद होने के बाद उसके ससुराल वाले उसे मज़ीद बच्चे पैदा करने से मना कर दें और वो कहें कि ऑपरेशन करवा लो ताकि मज़ीद औलाद ना हो तो क्या ये ऑपरेशन करवाना दुरुस्त होगा कौन कह रहे हैं ससुराल वाले जी अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम ना नाफ़रमानी में किसी का हुक्म नहीं माना जा सकता अगर आसानी से समझ नहीं आया जुमला और आसान कर दूँ कोई भी ऐसा हुकुम दे जो अल्लाह और उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की नाफ़रमानी जिसमें होती हो वो हुक्म किसी का नहीं माना जाएगा हाँ ऐसी कोई बीमारी हो गई है ऐसा ख़तरा हो गया है कि ओवरी निकालनी है वरना ये कि तकलीफ़ है उस सूरत की बात और है कि ऑपरेट करा लिया जाए लेकिन सिर्फ दो बच्चों के बात कहने जी और बच्चे नहीं करने हैं ये गलत तरीक़ा है इसको नहीं करना चाहिए आप वक्फा करना चाहते हैं औलाद में उसकी गुंजाइश है शरीयत ने उसकी इजाज़त दी है कि ज़रा बच्चा मैं संभालने में दुश्वारी ना हो दो साल का डेढ़ साल का वक्फा कर लिया है तो तीन साल का करना चाहते हैं वक्फा कर सकते हैं मगर बंद करना जवान लड़की का ख़ुदा खास्ता आपके दो बच्चे हैं किसी को कुछ हो गया क्या करेंगे और फिर शरीयत में अल्लाह ताला का नबी फरमा रहा है मेरी उम्मत बढ़ाओ आप कहते हैं नहीं जी कम बच्चे तो फिर आप तो नबी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ये जितनी दवाएं बनाई गई हैं ना ये इनसे गुनाह गुना बढ़ा है क्योंकि पहले लोगों को डर होता था कहीं रिज़ल्ट ना आ जाए अब रिज़ल्ट के बचाव के लिए आ गई हैं दवाइयाँ चीज़ें तो उनसे लोग बेखौफ होकर गुनाह ज़्यादा करने लग गए तो मैं यही कहूँगा कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए और उसके बाद तबीयत का मसला है कोई ऐसी बात है वो और बात है वक़ा करने की इजाज़त है अज़ल उसकी इजाज़त है अज़ल का मैं अरबी लफ्ज़ बोल दिया है लेकिन मैंने उसकी तशरी नहीं की मैं इंग्लिश में कह देता हूँ विथड्रॉल मेथड यानी आप एहतियात कर लें जब मीटिंग हो उसमें वो आप कर सकते हैं लेकिन रोक देना ये शर्म दुरुस्त नहीं होगा बग़ैर ओजर के अगर है तो दुरुस्त नहीं होगा जहीर हसनैन साहब आपने ख़्वाब के मसाइल के हवाले से पूछा अभी साहब ने कुछ देर पहले इस पर मुफसल कलाम किया आप रिवाइंड करके देख सकते हैं ये कलाम किया कि इस प्रोग्राम में सवाल जवाब होंगे ख़्वाबों की तबीर कोई वाक़े की फरमाइश या ऐसी बातें नहीं जो सवाल हों जिनसे आपको भी दूसरों को फ़ायदा हो वो किया जाए खालिद अली जामी साहब का सवाल के अलार्म पर बतौर रिंग टोन अजान लगाना क्या शरण दुरुस्त है वो पूरी बजेगी या कलेमा पूरा होगा तो ठीक है रिंग टोन जो है ना टेलीफोन की वैसे वो पहले तीन कले में अल्लाकबर अल्लाकबर अशदा ला अशद महमदर रसूल सल्लास ये तीन कले में ना लगाएं रिंग टोन पर हया आल या हया आलफला यह लगा लें लेकिन वो पहले तीन कलेमे क्योंकि उनको दरमियान से कहीं काटेंगे और फिर कहाँ बजेगा तो उस लिहाज से ये पहले तीन कले में रिंग टोन के तौर पर नहीं बात का हिस्सा लगा तो 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 लें इसमाइल बशीर साहब का सवाल अशियाए ख़ौर उ के मामले में कोई तमीज़ या कोई कायदा बता दीजिए जिससे बस आसानी मालूम हो जाए कि क्या ममनू है और किसकी इजाज़त है मैं क्या इस मामले में कौन सी चीज़ें अब गोश्त है जिन हलाल जानवरों का या परिंदों का जो हलाल परिंदे हैं जो मतलब ऐसे हैं जो पंजे से शिकार करते हैं जो चौंत से करते हैं वो हवाले मैं बता सकता हूँ बाकी रही इतनी मसनूआत हैं अब उनके कोड हैं आजकल जो चीज़ों के तो बस ये है कि आप ये चेक कर लें कि वो बनाने वाले मुसलमान हो और तसली हो सिर्फ़ हलाल लिखा हुआ काफ़ी नहीं होता वो टूथब्रश पर भी हलाल लिखा हुआ है टूथपेस्ट पे भी लिखा हुआ है बल्कि कंगी आपकी कौम उस पर लिखा हुआ है हलाल तो सिर्फ़ हलाल लिखा हुआ मसला नहीं है तसल्ली हो खास तौर पर जो गोश्त हैं और जो ग़ाई चीज़ें हैं उनके बारे में कि वो सही हैं उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है बाकी इसकी तफसील के लिए मैं आपको कोई अगर ऐसा उसूल मिल सका खुश्क चीज़ों में क्या है दूसरी में क्या है तो इनशा आपको बताऊंगा इन हनजला ख़ान साहब का सवाल कि एक पोस्ट देखी थी जिसमें लिखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना पसंद था आप तनावुल फरमाया करते थे और ये सुन्नत रसूल भी है तो तलबीना से क्या मुराद है जौ से बनता है गालिबा बन। जौ और साथ में घी होता है और शायद उसमें डाल के बनाते हैं मुकवी है मुक्वी का मतलब क़वत देने वाली ग़ा तो खिलाई जाती है बदन में क़वत के लिए तो सबूत है उसका मौजूद है सही बनाए और हज़म करें उसको वो जो लोग थे पहले वो मशीनों के नहीं थे वो सारे काम जिसम से तो वो हज़म करते थे आप हज़म नहीं करते हैं आप लोग बैठे रहते हैं तो नतीजे में वो जो मुकवी चीज़ें हैं वो बाज़ मरतबा इसहाल आपको यानी मोशन लग जाते हैं फिर कमज़ोरी आ जाती है तो जब भी ऐसी ग़ज़ाएँ लें उनको हज़म करें इतनी मेहनत उसके बाद करें कि वो हज़म हो जाए तो तलबीना जो है उसकी रिवायत मौजूद है जी उम्मे शाहबाज साहिबा का सवाल कि आपने जो किताब हमारा इस्लाम बताई थी मुख्तलिफ ऑथर्स के नाम से वो मौजूद है आपने किस रेडर की बताई थी जी हज़रत मौलाना खलील मोहम्मद खलील साहब बरकाती हैदराबाद में रहते थे आ, उनकी किताब है मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ इस नाम से कोई और किताब है तो मुझे नहीं मालूम हमारा इस्लाम के नाम से हज़रत मौलाना मोहम्मद खलील साहब जो अहसनलबरकत एक मदरसा है हैदराबाद में उसके बानी थे वो उनकी किताब है हनजला ख़ान साहब का सवाल कि शहीद की कितनी अकसाम है और फ़जाई हादसे में अगर कोई मुसलमान शहीद हो जाए तो वो कौन सी किस्म में आएगा पांच किस्में बताई गई हैं एक होती है शहादत जहरी खुली हुई ऐलानिया ओपन मैदान जंग में जा रहा है बंदा अल्लाह की राह में अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए दीन इस्लाम की सच्चाई के लिए वो काफिरों से कर रहा है तो वो शहीद है असली जिसको कहते हैं बाक़ी शहादत सिरी पोशीदा छुपी हुई शहादत पाँच डूब जाए पानी में ये नहीं है कि खुद जानबूझ कर जा रहा है वो, वो ऐसा हुआ कि डूब गया इसी तरह कोई दीवार के खड़ा है और वो दीवार गिर गई है या इमारत गिर गई है उसके नीचे ईमान शर्त है तीसरा ये कि सांप ने डस लिया है या किसी जहरीले जानवर ने इस तरह काट लिया है इसी तरह पेट की बीमारी ऐसी है उसमें उसकी जान चली गई है या औरत डिलीवरी में जो चली जाती है तो ये बताया गया है लेकिन ईमान शर्त है और तमन्ना भी हो ये नहीं है कि जी वो भाग रहा है और वो आ गई है उसको अच्छा खुद अपनी जान को हलाकत में डालना जैसे मौत का कुआं बना लिया या ऐसे करतब दिखाते हैं जिसमें जान तो ये लोग जो हैं वो उसमें शहीद नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये खुद जानबूझ के कर रहे हैं आप कहेंगे कि जी वो अल्लाह की राह में है वो भी तो जानबूझ के गया है तो वो अल्लाह की राह में जान देने के लिए गया है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गया है कलमा हक के लिए गया है ये किस लिए गया है ये तो पैसे के लिए गया है जो कोई करतब दिखा रहा है तो ये मैंने मुख्तरा बताया अली गौहर साहब का सवाल के अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़िरके मत बनाओ तो फिर ये किसके कहने पर इतने फ़िरक़े बने हैं और सारे फ़िरके पाकिस्तान में ही क्यों हैं ये जो साहब जिन्होंने सवाल किया है लफ्ज़ फिरके का माना जानते हैं फ़र्क किया है ना उन्होंने तो फिर हो गए आपका ये कहना है कि पाकिस्तान में क्यों आप कहाँ कहाँ गए हैं आपको क्या मालूम कि दुनिया में और कितने हिंदुओं में कितने फ़िरक़े हैं मालूम है आपको ईसाइयों में कितने हैं बल्कि अब ईसाइयों का ये हाल है कि अगर एक घर में दस अफरा रहते हैं दस के दस अलग, अलग अलग अकीदे के हैं ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक तो आपने सुने होंगे ओपन लफ्स इसके अलावा और कितने हैं यहूदियों में आठ फिरके हैं जो बड़े मशहूर हैं बाकी कितने हैं आपको पता है आपके यहाँ शोर ज़्यादा है बाहर का आपको चूंकि मालूम नहीं है तो आप समझते हैं सिर्फ मुसलमान फ़िरके किसके कहने से बने हैं यह है शैतान और नफ्स के कहने से बने हैं बहत्तर फ़िरक़े हैं ना हसद के अदद भी बहत्तर हैं एक दूसरे से हसद करने की वजह से सुने बुनियादी तौर पर ये यहूद नसारा हनूद मजूस ने मुसलमानों को लड़वाने के लिए मेरी एक तकरीर है तारीख़ फिरका बारियत अगर आप सुन लेते आपको बहुत आसानी होती कि कैसे बने ये क्यों बने क्या मकसद था और आज भी ये जो रोज़ वाक़ होते ना ये एजेंडा है गैरों का कभी उन्होंने कार्टून छाप दिए कभी कोई सेंटेंस लिख दिया कहीं कभी उन्होंने कोई और शोशा छोड़ दिया ये क्या है ये उनकी साजिशें हैं मुसलमानों को उलझाए रखो आपस में लड़वाए रखो वो मुसलसल आपके पचास साल प्रोग्राम बना के यलगार करते रहते हैं क्यों जिस दिन मुसलमान इकट्ठे हो गए वो यहदो न गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जमा इकट्ठे हो जाएंगे तो वो चाहते हैं कि इनको आपस में ही उलझाए रखो तो ये हो रहा है और हम उनकी साजिश को समझ नहीं रहे बनाए चले जा रहे हैं अब मुझे ये बताएं सहाबा के राम अल्लाह उनकी शान बयान करे और कोई जनाब उनके ख़िलाफ़ बकवास करे अह बत रसूल उनकी मोहब्बत वाजिब की गई और कोई उनकी जिक्र कोई नापसंद करे अलिया अल्लाह अल्ला उनकी शान बयान करे और यहाँ लोग उनके लिए पता नहीं शेर और क्या क्या बयान करें तो क्या है ये आपको समझ आ रही है बात तो ये क्यों हो रहा है इसलिए कि मुसलमान जमा ना होने पाए तो मुसलमानों को होश करनी चाहिए दुश्मनों को पहचानना चाहिए हमें साहबा कराम और एहले बतार के तरीक़े पर कायम रहना चाहिए और अलिया अल्लाह ने बनाए हमारे लिए हैं। भली कहते ही मददगार को वो हमारे मददगार उनसे ही हम दामन छोड़ा लें तो फिर बताइए ईमान की हिफाजत कैसे होगी तो आपका ये कहना नहीं क्यों है तो ख़ुद पहचान है पाकिस्तान में शोर है दुनिया भर में फ़िरके बहुत ज़्यादा है हर कौम बिरादरी में आपको मिलेंगे जनाब आप अपनी सियासत के ही फ़िरके देख लें कितने भाई वो पाकिस्तान जब मना था एक मुस्लिम लीग थी आज कितनी लीगें हैं ज़रा सा इख्तलाफ हुआ अलग ग्रुप इसी तरह दूसरी पार्टियों में देखते जाएं बनती जा रही है बनती हो मिसाल एक शख्स को निकाला उसने अपनी अलग पार्टी बना ली ये हो रहा आप उस पर तो कोई एतराज़ नहीं कर रहे कि तो भाई ये सारे पाकिस्तानी हैं तो एक पाकिस्तान के लिए सब मुसलमान कहलाने वाले हैं तो एक दिन के लिए क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे लेकिन वहाँ आप देख लें ग्रुप दर ग्रुप कोई हम ख्याल ग्रुप और कोई बेख्याल ग्रुप और कोई बद ख्याल ग्रुप पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं आपके यहाँ तो पाकिस्तान में ये शोर जो है ना ये ज़्यादा इसीलिए और बहुत से एजेंडों पे काम हो रहा है मैंने पहले भी कहा था हाइब्रिड वार है ये ये बग़ैर हथियार के शोशे छोड़े जा रहे लड़वाया जा रहा है तो होश करनी है होश मोहम्मद अहमद साहब का सवाल कि किसी भी चीज़ का ये पीना कैसा है अगर इस पर एल्कोहल ना हो और बॉटल पे भी हलाल लिखा हो तो क्या हुक्म होगा जी उसकी तसल्ली करनी है उसको कैसे कशीद किया गया यानी कैसे वो कशीद करने को क्या कहेंगे एक्सट्रैक्ट उसका कैसे निकाला गया तरीक़ा क्या था और क्या उसकी कैफियत बदल गई कि उसमें वो नशे वाली जिस तरह नबीज़ होती है तो उसकी एक ख़ास हालत तक दुरुस्त जब हालत बदल जाए हुक्म बदल जाएगा वो सारी तफसील होगी ये सही तरीक़े से उसको कशीद किया गया हो और उसमें वो नशा वाली कैफियत ना हो तो वो नशा ना आया हो वो दुरुस्त होगा इनका अगला सवाल के ज़िंदगी में एक बार चारों इमामों के तरीक़े से नमाज पढ़ना अगर कोई चाहे तो ये कैसा होगा मुखल जिसके हैं उसके तरीक़े पर ये कोई डिज़ाइन नहीं है कि आज उधर कर लिया कल उधर कर लिया जब एक इमाम को इमाम बनाया तो आप इमाम साहब के पीछे खड़े वो रुकू में जा रहे हैं आप कहेंगे नहीं आज मैं रुकू में नहीं जाऊँगा वो सजदे दो कर रहे हैं आज मैं एक करूँगा तो ये तो कोई तरीक़ा नहीं है भाई जब एक इमाम के पीछे हाँ अगर उस इमाम के पास आपको किसी ऐसे मसले का हल नहीं मिला और वो हो भी नहीं रहा और दूसरे इमाम ने बताया तो सिर्फ़ उस मसले के लिए हम दूसरे इमाम की भी बात सुन लेंगे जैसे ख़बर औरत के बारे में हज़रत इमाम मालिक का फतवा जैसे यूरोप में कुछ रातें ऐसी आती हैं कि इधर इशा हुई उधर फजर हो गई इस हवाले से लोगों ने वहाँ पर किया है लेकिन ये काम उलमा का है आम आदमी का नहीं कि आज मैं इस, इस डिज़ाइन में और कल उस डिज़ाइन में ये नहीं होगा अथर महमूद साहब का सवाल क्या लड़की की शादी में गवाह के तौर पर उसका वालिद या भाई हो सकता है जी गवाह जो है वो हज़रत अली ताला तजुल करीम का जब वो मुकदमा काजी की अदालत में गया था तो ग़ुलाम गवाह था और बेटा गवाह था तो उनका दोनों की गवाही नहीं चलेगी तो गवाह वो हो जिसके बारे में हो कि ये गैर जानिबदार जानबदारी क्या जहाँ होता है तो वहाँ गवाह नहीं बनाया जाता तो बाप और भाई ये गवाह के तौर पर नहीं होने चाहिए बेहतर यही है अहमद रज़ा साहब इनका सवाल कि इनसे किसी ने पूछा कि मेरे शौहर का काम नहीं चलता उनको और अगर काम का कहा जाए तो उनका दिल नहीं करता काम के लिए कोई दुआ बता दीजिए जी उनकी सुस्ती दूर करें चेक करें उनकी ग़ा कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से ऐसा मिजाज है तो उनकी सुस्ती दूर करें नमाज पढ़ें उनसे आज़ान कहलवाएँ उनसे कहें कसरत से तीसरा कलेमा इस्तार पढ़ें इन ठीक हो जाएँगे इन शवीद अंजुम साहब का सवाल के अल्लाह की झूठी कसम खाने का बबाल क्या होगा सवाल करने वाले को सवाल ही पर गौर करना चाहिए अल्लाह ताला की झूठी कसम जब वो ख़ुद कह रहा है तो वो डरे क़ुरान का उठा लेना अल्लाह ताला की झूठी कसम तो बहुत अपने आप को तबाह करने वक्त गुजर जाएगा लेकिन उसका वबाल कितना होगा और असरात कैसे होंगे अल्लाह की पनाह आपको अगर ऐसा आप कर बैठे हैं कसरत से तौबा कीजिए जिसके सामने उठाई है हिम्मत कीजिए उसको बता दीजिए कि वाक़ ऐसा नहीं था और आपसे नहीं कहा जा रहा तो आप फिर अल्लाह से डरें सदका करें तौबा करें और माफ़ी चाहें और फिर इस हद तक के या अल्लाह मुझसे बास पुरुष ना हो लेकिन आप शर्मा रहे हैं अगर भरी बज़म में कल क़्यामत के दिन हुआ तो क्या करेंगे तो यहाँ उस बंदे से जिससे उठाई है जिसके सामने हकीक़त हाल बयान कर दें माफी लें मोहम्मद मई सिद्दीकी साहब का सवाल इनका सवाल कुर्बानी के हवाले से कि कुर्बानी के जानवर में सात हिस्से होते हैं तो क्या हम एक हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शामिल कर सकते हैं नीज़ ये भी बता दीजिए कि कुर्बानी के जानवर में किसी मुर्दे का हिस्सा शामिल कर सकते हैं जी पहली बात तो ये देखनी है कि आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आपका हिस्सा लाजमी हो मसला ये कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है मगर मैं अपनी तरफ़ से नहीं कर रहा और नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम की तरफ से कर रहा हूँ तो मेरी कुर्बानी तो वहीं रह गई जो मुझ पर वाजिब है मैं रसूल पाक सल वसम की तरफ से करूँ तब जबकि मैं अपनी क़ुरबानी कर रहा हूँ उनकी और मैं ओसपाक की कर लूँ अलेत की कर लूँ साहबा में से किसी की कर लूँ वालदे वफात पाए हुए जिसकी तरफ़ से चाहे करूँ ईमान वाला हो किसी बद की मिलाऊँगा सब की जाएगी तो ईमान वाले जिसकी तरफ से चाहे करूँ लेकिन ये ना हो कि मैं अपनी नहीं कर रहा और इन सब की तरफ़ से कर रहा हूँ वो वाली सूरत हाल ना हो ये जेन में रखिएगा बाकी हजूर सल्ला वरफ़ से करना या अपने वफात पाए हुए बुज़ुर्गों की तरफ़ से करना बहुत अच्छी बात है मोहम्मद शायान साहब का सवाल कि क्या इले सवाब उसी घर में जाकर करना होगा जहां फौदगी हुई है एक शख्स आपका रिश्तेदार है वो रहता है दुनिया के किसी और किनारे पे मैया तो है पाकिस्तान में तो वो क्या वहाँ से आके ही साले सवाब करेगा टिकट कटाए कोविड का पहले इंजेक्शन ले उसकी क्वारंटीन करें फिर पहुँचे उसके बाद ई सवाब। ब भाई ईसार सवाब कहीं से भी हो सकता है आप रोज़ करें सुबह दोपहर शाम हर नमाज में बाद दुआ में करें कहीं से भी करें मैं यहाँ बैठा हुआ हाँ हज़ूर गौस पाक की बारगाह में ईसार सवाब कर रहा हूँ तो क्या मुझे बगदाद जाना ज़रूरी होगा तो ऐसा नहीं है हाँ रिश्तेदार हैं आपके आप ताज़ियत के लिए ज़रूर जाए ई सवाब आप कहीं से भी कर सकते हैं फ़ाखिर सरदार साहब का सवाल कि खुदकुश बम्बार को शहीद कहना कैसा है अगर एक शख्स मैदान जंग में जबकि जंग जारी है दुश्मन की सफ़ों को तोड़ने के लिए उनके अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है वो शहीद है तो टैंकों के सामने बम बांध के लेट जाना कि टैंक तबाह हो जाए और मुसलमान आबादी को या मुसलमान फ़ौज को नुकसान ना पहुंचाए, वो उस हालत जंग में है लेकिन ये नहीं है कि शहरी आबादी में घुस गए आप बम मार के तो आपने वो कर दिया जिसको क्या कहते हैं आज कल खुछ? हाँ तो वो वो उसके लिए शहीद का लफ्ज़ नहीं आएगा बल्कि जब ए, जंग जारी हो गैरों के साथ गैर मुस्लिमों के साथ उस वक्त अगर वो हालत जंग में ऐसा करता है वो हुकुम और उम्म शाहबाज़ साहिबा का सवाल कि क्या आपकी जाम मस्जिद गुलजार हबीब में कोई मकतबा है और उसकी टाइमिंग क्या है और क्या वहाँ से आपकी तमाम इस्लामी बुक्स मिल जाएंगी जी राशिद नाम है उन साहब का हर जुमे के दिन वो जाम मस्जिद गुलजार हबीब में स्टॉल लगाते हैं पहले मकतबा पूरा दुकान थी क़ायम थी अब कोई ख़ुद से आके वो ख़िदमत करने के लिए नहीं है बल्कि वो कह रहा है कि जी मुझे दुकान खोल दें तो मैं बैठ जाऊँगा यानी सारा काम हम करें किताबें वहाँ मौजूद होती हैं मस्जिद में मैं रोज़ शाम को वहाँ बैठता हूँ तो कोई आएगा तो राशिद साहब वहीं पड़ोस में रहते हैं मिल जाती हैं लेकिन स्टॉल वो जो अपना स्टॉल है वो जुमे के दिन लगाते हैं ज़ियाउल क़ुरान पब्लिकेशन उर्दू बाज़ार कराची उर्दू बाज़ार लाहौर और दाता साहब के बाहर जो मार्केट है उसमें ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन मेरी किताबें शाये करते हैं इसके अलावा सुन्नी मकतबों पर भी मिल जाती हैं मेरी किताबें तो मस्जिद में आएँगे तो राशिद साहब का पूछ लीजिए वो होंगे तो वो किताब निकाल देंगे वरना हर जुमे के दिन वो स्टाल लगाते हैं शायन इकबाल साहब का सवाल कि आज के दौर में अल्लाह का बली कैसे बना जाए आज के दौर के लिए कोई नई क्वालिटी है हर दौर के लिए एक ही बात है ईमान और तकवा मेरे अकायद सही हों मेरे आमाल सही हो मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर उस चीज़ से दूर हो जाऊं जो अल्लाह ताला की बारगाह में पसंद नहीं है एहतियात करूं आप वली बन जाएंगे बाकी दर्जे मिलना वो कसरत से आप इबादत करें जितना ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हो जाएगा उतने दर्जे बुलंद हो जाएंगे तो वली बनने के लिए ईमान और तकवा ये दो चीज़ें कोई ख़ास चौला नहीं है कोई ख़ास किस्म का साफ़ा या टोपी या इस्टाइल नहीं है बस ईमान और तक्वा, अकीदे सही रखें अपना आमाल सही रखें अब वली बन जाएँगे इन इकराम शरीफ़ साहब का सवाल इंडिया से उन्होंने भी किताबों के हवाले से पूछा कि इंडिया में कहाँ से मिल सकेंगी इंडिया में सारी किताबें किसी ने रखी हैं या नहीं बल्कि मेरी कुछ किताबें वहाँ लोगों ने छाप ली हैं बग़ैर इजाज़त के बहरहाल वो सुन्नी कुतुब खाने जितने हैं दिल्ली में मटिया महल कहलाता है गालिबन जाम मस्जिद के पड़ोस में सुन्नी कुतुब खाने हैं वहाँ मिल सकेंगी मुंबई में भी अगर आप सुन्नी कुतुब खानों से मालूम करें तो चूँकि अब कोविड की वजह से पता नहीं आ जा रही हैं या नहीं लेकिन मैंने कुछ किताबें वहाँ ज़रूर देखी अपनी सब नहीं लेकिन पता किया जा सकता है सुन्नी कुतुब तो खानों से वरना जो किताबें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं आप वहाँ पे देख लें मेरे नाम के पेज में मौजूद है वहाब साहब का सवाल के रमदान के रोज़े छोड़े हुए अगर शवाल में रखे जाएं तो क्या ये रोज़े रमज़ान के जितने ही सवाब मिलेगा या फिर शवाल में काउंट होंगे वो रोज़े जी आपने कज़ा की है और कोई किसी शर् ओज़र की वजह से वो रोज़ा रमदान में नहीं रखा आप उसकी कज़ा कर रहे हैं अल्लाह कबूल करने वाला है अल्लाह उसको उसका बदल बना दे लेकिन नफली रोज़े हैं आपके या आपने जानबूझकर रमदान का रोज़ा कोई छोड़ा एक रोज़ा रमदान का बग़ैर शरी वजह के छोड़ा आप सारी उम्र रोज़े रख लें उस रोज़े का बदल नहीं होगा हाँ किसी शरय वजह से आपका रोज़ा रह गया उसकी कज़ा कर रहे हैं तो वल्ल ताला आपको ज़रूर सवाबता फ़रमाएगा इन शर महमूद साहब का सवाल हक महर देने का सही वक्त कौन सा है जी बेहतर तो यही है कि निकाह के वक्त फ़ौर दिया जाए जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त दे दिया जाए वरना जितनी जल्द दिया जाए अच्छा है स्वीडन से सादिया मुग़ल साहिबा का सवाल कि अगर फजर की नमाज़ का वक्त बहुत मुश्किल हो और सख्त हो जैसे कि रात के दो बजे या चार बजे और अक्सर मिस हो जाती हो और अक्सर और हर रोज़ कज़ा हो जाती हो तो अब क्या हुक्म होगा ये सुस्ती है हमारी हमें उसका इलाज करना चाहिए मैं अपने दूसरे कामों को जिस तरह अहमियत देता हूँ इसको अहमियत दूँ जब अहमियत देने लगूँगा ख़ुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा काबू आ जाएगी चीज़ मैं यही कहूँगा तोबा भी करें और कोशिश करें कि अहमियत दें ताकि वो वक्त पर अदा हो जाए खालिक साहब का सवाल वालदेन और बीवी में से ज़्यादा हक किसका है माँ बाप का हक अपनी जगह है बीवी का हक अपनी जगह मर्द के लिए सबसे अहम हस्ती उसकी माँ है बीवी के लिए सबसे अहम हस्ती उसका शौहर है माँ बाप के अपने हकूक़ हैं बीवी के अपने हकूक उनमें तोजुन रखे एक तरफ ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा हो जाए तो दूसरे का मारा जाए वो नहीं होना चाहिए दोनों के अपने अपने हकूक़ हैं और अपने अपने दर्जे पर हैं ये नहीं हो सकता कि एक का हक़ तो पूरा कर रहा है दूसरे का बिल्कुल नहीं कर रहा ये नहीं हो सकता तोज़ुन बैलेंस करना जिस जिस का जो हक है उसके मुताबिक अदा करें ये आज का आखिरी सवाल इंशाल्लाह जो सवाल रह जाएंगे या मज़ीद आएंगे वो अगली नशिस्त में में ले लिए जाएंगे आप अपने सवालात अगली नशे से पहले पहले जमा करवा सकते हैं इसका तरीक़ेकार ये होगा कि इसी लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में चाहे लाइव स्ट्रीम ख़त्म भी हो जाए तो अगली नशत से पहले पहले आप लिख दीजिए इन सवाल वहाँ से शामिल कर लिया जाएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है अगली नशे से पहले वहाँ आप सवाल जमा करवा सकते हैं या फिर पेज इनबॉक्स वहाँ अगली नशे से पहले पहले आप सवाल जमा करवा सकते हैं इनशाला शामिल कर लिया जाएगा तहा सिद्दीकी साहब का सवाल कि आपका एक क्लिप देखा था जिसमें आपने पी पर होने वाले तनाज़े की वज़ात की तो मेरा सवाल ये है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ ये हदीस है तो क्या इसका मतलब भी ये ना हुआ कि अगर हुसैन ना होते तो कुछ भी ना होता कौन तहा सिद्दी के साथ कहाँ से हाँ इन्होंने शायद नहीं लिखा नहीं लिखा आप अपने सवाल पर ज़रा गौर कीजिए ताहा साहब हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ इसमें कहाँ ये माना बन रहा है कि अगर हुसैन ना होता तो मैं ना होता मुझे आपके जवाब का इंतज़ार थोड़ी सी भी समझ हो तो मुझे बताएं ये माना कहाँ से बन रहा है हुसैनु मिन्नी हुसैन मुझसे है वह आना मिनल हुसैन और मैं हुसैन से हूं आप क्या साबित करना चाह रहे हैं औलाद साबित करना चाह रहे हैं कि मैं हुसैन से हूं या हुसैन की वजह से हूं क्या साबित करना चाह रहे हैं आप अगर आपके पास थोड़ी सी भी अकल है तो जरा सोच लीजिए इसका तो मतलब सिर्फ ये है कि हुसैन मुझसे मेरे खून से मेरे घराने से, से मेरी औलाद से मेरे फैज़ान से मैं हुसैन से हूँ कि हुसैन से जो कमाल ज़ाहिर हो रहा है वो मेरी वजह से है आप अगर गौर कर लें क्योंकि मुझे आपकी इस सवाल की कैफियत पे रोना आ रहा है कि ये हाल हो गया है अकल का समझ का आप दूसरे लफ्जों में यही कहना चाह रहे हैं ना कि हुसैन ना होते तो मैं ना होता माजल्ला माज़ल्ला कैसी बात है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो इमाम हुसैन कहाँ होते कोई कुछ भी ना होता अल्लाह होता मगर ज़ाहिर ना होता आपने शायद तवज्जो नहीं फरमाई अपने सवाल पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कह गए हैं अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए दो तीन बातें पहली बात तो ये कि दो जुमेरात से मुसलसल ऐलान कर रहा हूँ मेरे वालद गरामी मुजद मसल अहल सुन्नत आश रसूल मुहब साहबा व आले बतूल खतीब आजम हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी साहब वारवी रहा आ हवाले से एक पी एच डी प्रोफेसर अकील अहमद शेख साहब ने की कराची यूनिवर्सिटी से मज़ीद पी एच डी की जाए और ख़ास तौर पर इंग्लिश में हो अरबी में हो और पाकिस्तान से बाहर भी हो मक़ाले लिखे जाएँ एम फिल के उनकी किताबों पर कोई तज़ियाती काम करना चाहे तलबा वालबात तो जो लोग अक़दत मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी बातें दुनिया तक पहुँचाएँ उनका काम पहुँचाएँ तो मेहनत करें आइए हमसे जो मवाद मिलेगा हम करेंगे एक साहब ने फ़ोन किया था घोटकी से उनको मैंने प्रोफेसर अकील अहमद शेख साहब से कहा कि रब्ता कर लें ताकि तरीक़ार जो भी है तो ज़रूरत है बैरून मुल्क एक ज़रूर पी एच डी इंग्लिश में हो जाए अरबी में हो जाए को फ़्रेंच में करना चाहे जर्मन में करना चाहे टर्किश में करना चाहे बहुत अच्छी बात है तो ख़्वाहिश है और पी एच डी हो एम फिल के मकाले हों और उनकी किताबों पर तज्यात उनकी खिताबत उनके तजदीदी कारनामे उनकी मेहनतें सहबा विल के हवाले से मसल के हक सुन्नत के हवाले से तो ज़रूर तवज्जो फरमाएँ। जनाब शब्बीर अबू तालब उनके वालद इंतकाल कर गए आज खबर आई जनाब फेरोज़ुद्दीन सोहरवर्दी साहब इंतकाल कर गए इसके अलावा जितने लोग अल्लाह उन सब की मगफ़े फरमाए कल अचानक एक खबर सोशल मीडिया से फैली मलाला यूसुफ गुल मकई तैयार की गई थी पूरी प्लानिंग बाहर ले जाया गया क्या कुछ किया गया नोबेल प्राइज़ दिया गया उनसे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी बातें करवाई गई वो एक मोरा है जो उनसे कहलवाया जा रहा है जिनके लिए वो काम कर रही है जिन्होंने उनको तैयार किया है उन्हीं की बोली वो बोल रही है कल उनका एक जुमला आया जिस पर मुझसे एक दो टीवी चैनल्स ने लापता भी किया मेरी गुफ्तु नशर की उन्होंने ये कहा कि जी शादी करना निकाह नामे पे दस्तखत करना जरूरी नहीं है जिंदगी का पार्टनर वैसे भी बनाया जा सकता है जिसके साथ रहा चाहे इसमें दो तीन बातें हैं पहली बात तो ये ईमानी हवाले से कि निकाह अल्लाह का हुक्म है नबी की सुन्नत है और क़ानून है फितरी नेचुरल चूँकि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की, की मुखालफत उसका इनकार ये बात कुफर तक जाती है अगर वो ये कह रही हैं कि निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो वो एक दूसरे खुले लफ्ज़ों में कुफर की तरफ जा रही हैं दूसरी बात ये कि वो अगर अपने आप को इंसान कहलाना चाहती हैं तो हैवानियत सिखा रही हैं वो जानवरों वाली बातें सिखा रही हैं ये जानवरों में होता है इंसानों में नहीं होता हमारे यहाँ एक माशरा है उसमें ख़ानदानी तरतीब है कोई माँ बाप कहलाते हैं कोई बहन भाई कहलाते हैं कोई औलाद कहलाती है आपकी इस तजवीज़ जो आप दे रही हैं या जो ख़याल जाहिर कर रही हैं आप ख़ुद पार्टनर्स की औलाद हैं या माँ बाप की औलाद निकाह हुआ था उनका या पार्टनरशिप ही चल रही है बग़ैर निकाह के और आपके लिए जो रिश्ता आएगा उसमें फिर वाले साहब को कह दीजिए रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है जो चाहे आए ले जाए आपको और जो चाहे करे माजल्ला जो बातें आपने की हैं आप कहेंगे नहीं जी मेरा मकसद ये नहीं था सुनिए दुनिया अंधी नहीं है दुनिया बेवकूफ़ नहीं है लोग खाली दिमाग नहीं है समझते हैं यह एजेंडा है, है। मुसलमानों की गैरत को चेक करने के लिए ये हर थोड़े दिनों के बाद ये एजेंडा है कभी ईमानी हरारत चेक की जाती है कभी गैरत चेक की जाती है यह औरत मार्च क्या चीज़ है ये हवाई जहाज़ में बोसो कनार ये क्या चीज़ है ये प्लान प्लैंट, प्लेंटेड प्रोग्राम है एजेंडा है तो हम बता देना चाहते हैं हम गुनागार हैं बेगैरत नहीं है हम बहुत ही गुनागार हैं बेहया नहीं है हम बहुत गुनागार हैं बेईमान नहीं है हमारे अंदर ईमान है गैरत है हया है और अल्लाह रखे क्योंकि बुखारी शरीफ में वाज बयान जब किसी में हया नहीं रही तो वो जो चाहे करे जब ईमान नहीं तो हया क्यों और फिर ये इस्लाम का जेवर है हया जो शेमलेस हैं जिनको कोई परवाह नहीं है वो जानवरों वाली ज़िंदगी औरत को नंगा करके इश्तिहार ही बनाया गया है ना आपने तालीम की बात की आप कहती हैं आप तालीम के लिए ए वन पेन वन बुक आपको दो साल से कश्मीर में ये इतने बच्चे गैर तालीमी याफ्ता नजर आ रहे हैं आप क्यों नहीं बोल रही आपको वो बच्चे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं गजा में क्या हुआ पूछ सकता हूँ मैं अगर सवाल करूँ तो आप पे इतने सवाल बन जाए ये आजकल कोशिश यही है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करने की तो आप सुन लीजिए आपकी ये बातें खुद आपके लिए मसला बनेंगी और आप अगर इस बात पे कायम हैं और यही चाहती हैं तो अल्लाह करे आपको कोई शख्स कबूल ही ना करे ना जब तक आप तोबा ना करें आपने बहुत बड़ी बात की आप अपनी ज़बान को लगाम दीजिए और अगर वाकई आप मोरा हैं चूँकि जबान दूसरों की बोल रही हैं तो आप ये सुन लीजिए कोई मुसलमान आपकी बात पसंद करने तो दूर की बात सुनना भी कबूल करना भी गवारा नहीं करेगा अल्लाह ताला हमें ईमानियात का पाबंद रखे अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत में ईमान वाला रखे हया वाला रखे गैरत वाला रखे गुफ्तु में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ आप सबका बहुत शुक्रिया वालेकुम व वबरकु आपको ये नाम सुनाएंगे मोहम्मद जैन साहब शोराका के मेरी तरफ़ से इजाज़त अल्लाह हाफ हम उन तमाम अफ़राद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने सवाल हम तक भेजे या जिन्होंने अपने तारीफ़ी कलिमा से हमें नवाज़ा जिनमें मोहम्मद मई सिद्दीकी साहब सादिया मुग़ल साहिबा खज़र खालिद साहब फकीर कादरी साहब जावेद अहमद साहब ज़ुबैर अतारी साहब शाहिद सरवर साहब आलिया राशिद साहिबा फौज़िया कादिर साहिबा उज़ैर आलम खान साहब मोहम्मद अहमद नवाज़ साहब आलिया फ़ारूक़ साहिबा रब नवाज़ साहब फ़ारूक अजमेरी साहब नसीर अहमद साहब मोहम्मद अदनान साहब उमर वफ़ा साहब मोहम्मद इकराम शरीफ साहब फरहान अली साहब मुस्तफ़ा जमील साहब शाहरुख साहब अब्दुल कादिर साहब सादिया मुगल साहिबा उम्मे मुस्तफ़ा साहिबा नदीम अख्तर साहब अब्दुल अब्दुलकयूम साहब अहमद रज़ा साहब मोहम्मद रफ़ील्ला अतारी साहब अतीक अहमद साहब कामरान अतारी साहब वक्स मुस्तफ़ा कादरी साहब सज्जाद रज़ा साहब यावर ख़ान साहब इस्माइल बशीर साहब मोहम्मद फजल रसूल कादरी साहब मोहम्मद अफ़ान मेमन साहब अदील अहमद साहब उम्मे शहबाज साहिबा आसिफ़ फारूकी साहब सदा आयशा साहिबा जहीर हसनैन साहब अबू बकर साहब शाहिद महमूद चिश्ती साहब अय्याज अत्तारी साहब सलीम अंसारी साहब हंजला ख़ान साहब अली गौहर साहब मोहम्मद अहमद साहब यूसुफ़ मेमन साहब कारी अथर महमूद आवान साहब मोहम्मद शायान साहब और फ़ाखिर सरदार साहब और जिनके नाम शामिल ना हो सके हम उनसे माजरत चाहते हैं हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे आप हमारे लिए दुआ गो रहिएगा इन अगली नशिश में मुलाकात होगी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लमकुम वरम वक्